हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग? सो आज हम लोग मैग्नेट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नया टी शर्ट के साथ, और ये एपिसोड नंबर 1 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर। चैप्टर के साथ साथ टी शर्ट भी बदल गया गाइस। तो हम लोग ये सारा कंटेंट आज का इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, और एकदम आपको मैग्नेटिक फील्ड आया कैसे उसका एकदम फील दिला देंगे, और साथ ही साथ ये जो बायोट सेवर्ट लॉ है, बायोट सेवर्ट लॉ, इसका आपको एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। इसके अंदर एकदम डिटेल में चलेंगे हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ। और ये देखिए, आप बुक में देखोगे कि बायोट सेवर्ट लॉ ऐसे लिखा हुआ है, बट एक्चुअली में बायोट सेवर्ट लॉ ये भी है। दिस इज ऑल्सो बायोट सेवर्ट लॉ। सर क्या बात कर रहे हैं, ये बायोट सेवर्ट लॉ है? बिल्कुल, ये भी बायोट सेवर्ट लॉ है, बल्कि इसी बायोट सेवर्ट लॉ को और एक तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, जो शायद आपका बुक में नहीं होगा। तो हम लोग को बायोट सेवर्ट लॉ आपको एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। देखिए, पहले हम लोग ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को भी इतना डिटेल में पढ़ाएंगे, इतना डिटेल में कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, बायोट सेवर्ट लॉ को कूलम्स लॉ से कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बायोट सेवर्ट लॉ के अंदर इसी वीडियो में, और उसके बाद फिर हम लोग फाइनाइट लॉन्ग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है, यानी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई टू पाई आई बाई ए साइन एल्फा प्लस साइन बीटा, इसके बारे भी डिस्कशन करेंगे। अब कोई कोई बुक में साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू लिखा रहता है, एक ही बात है, ठीक है? तो इस फॉर्मुला के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं और स्टेट्स एक्सपेरिमेंट को मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। अच्छा, पहले एक जरूरी बात की है, जो मैग्नेटिज्म लिखा है, मैग्नेटिज्म एक्चुअली तुम इसमें नहीं पढ़ रही हो, मैग्नेटिज्म तुम पढ़ोगी चैप्टर 5 में। मैग्नेटिज्म का मतलब ये होता है ना कि मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके वजह से अलग 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 जो इफेक्ट हमको दिख रहा है उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। मतलब जैसे मान लो कोई आयरन पार्टिकल को वो अट्रैक्ट कर ले रहा है, उसकी वजह से होने वाला इफेक्ट के बारे जब पढ़ती हो तो उसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं, तो वो अगले चैप्टर में पढ़ोगी। अच्छा, यहाँ पर लिखा है मूविंग चार्ज। अब मूविंग चार्ज बोलना ही सबसे पहले कन्फ्यूजन है। मूविंग चार्ज बोले जैसे वैसे ही कंफ्यूजन आ गया दिमाग में कि मूविंग चार्ज का मतलब तो दोनों हो सकता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी चलता हुआ और एक वेरिएबल वेलोसिटी चलता हुआ। तो सबसे पहले तुमको एक बात हम क्लियर कर दें कि ये जो मूविंग चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब समझना है यहां पर, जैसे हम बोले कांस्टेंट वेलोसिटी, चैप्टर में ऐड होना चाहिए हालांकि यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी जैसे ही बोले। अच्छा, तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन हो, है ना, और मैग्नीट्यूड हो। तो कांस्टेंट वेलोसिटी बोलने का मतलब तुम ये सोच रहे हो कि सर उसका स्पीड होगा 5 मीटर पर सेकंड, यही सोच रही होगी ना? सर 5 मीटर पर सेकंड से चार्ज ऐसे चल रहा होगा, है ना? लेकिन एक और चीज समझ लो, वेलोसिटी जो होता है वो दो चीज से इफेक्ट होता है, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू, जैसे 1 कूलम चार्ज, और उसका डायरेक्शन कि मान लो वो ऐसे जा रहा है तो हमेशा इधर ही जाएगा, उसका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, दोनों कांस्टेंट रहेगा, नहीं जा सकता, क्योंकि क्या लिखे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। और वेलोसिटी को कांस्टेंट करने के लिए चार्ज का डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब ये मत सोचना कि सर मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये वायर है, इसमें वैसे बैटरी लगा है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब कि यहां से करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा तो करंट में ही चार्ज होता है, करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि करंट ऐसे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। भाई यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम, डायरेक्शन सेम होने का मतलब यह है कि करंट ऐसे 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 जाएगा, ये मतलब हुआ। तो डायरेक्शन कांस्टेंट है भाई, ठीक से देख, यहां से निकला यहां पहुंचा। अरे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक नहीं फ्लो करेगा, ये मतलब है मेरा। मतलब कि हमेशा क्लॉकवाइज, बैटरी का पोलैरिटी बदलोगी तब एंटी क्लॉक, ये मतलब है मेरा कहने का। अब तुम ये सोचो कि अगर कोई चार्ज, किसके बारे ये बोल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी, करंट के बारे नहीं, करंट तो भाई स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें वेलोसिटी कहां से आ जाएगा, चार्ज के बारे बोल रहे हैं। तो चार्ज ढेर सारा होता है ना यहां पर, तब करंट बनता है। तो जो चार्ज होगा उसका वेलोसिटी किधर होगा, एकदम सीधा ही, ये नहीं कि कोई चार्ज ऐसे पीछे जाने लगा, सारा ऐसे ही फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है मेरे बात? हाँ, स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन देखो करंट के वेलोसिटी के बारे हम लोग ऐसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि करंट का जो ये होता है ना वेलोसिटी, कोई टाइनी पार्टिकल का होता है, और करंट कोई पार्टिकल थोड़ी है, करंट तो एक क्वांटिटी है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज से डिफाइन होता है। तो हम लोग किसी क्वांटिटी का वेलोसिटी डिस्क्राइब करते हैं ना, जैसे मान लो कार चल रहा है, तो एक कार का तुम वेलोसिटी बता सकती हो। अब ढेर सारा कार झुंड में चल रहा है तो वो सारे कार का वेलोसिटी जोड़ के बताओगी, नहीं ना? वही बोल रहे कि करंट का वेलोसिटी नहीं बताते हम लोग, किसका वेलोसिटी बताते हैं, चार्ज का। ये बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है? चलो, तो अब हम यहां से शुरू करते हैं पहले ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से। तो तुमको एक बात समझ में आया कि यहां पर भी चार्ज का वेलोसिटी कैसा होगा, कांस्टेंट, मतलब कि चार्ज मूव करेगा विद कांस्टेंट स्पीड, ये समझ में आया। अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे पहले ऑरेस्टेड, पहले थोड़ा सा ना चैप्टर जो हम लोग पढ़े अभी तक, 1 2 3 4, है ना, चैप्टर 1 में क्या था, चार्ज का वेलोसिटी क्या था,
जीरो था। चैप्टर वन में चार्ज का वेलोसिटी जीरो था, चैप्टर टू में, चैप्टर टू में भी चार्ज रुका हुआ था। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं कि जो हम लोग पढ़े, पहला पहला चैप्टर जो था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हैं पहले चैप्टर को। पहले चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हैं बिल्कुल, और चैप्टर टू को भी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे बिल्कुल। चैप्टर टू को भी बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि उसमें भी चार्ज रुका हुआ था, नाम भी था चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और चैप्टर वन में भी चार्ज रुका हुआ था, मतलब यहाँ पर चार्ज का जो वेलोसिटी होगा वो जीरो, यहाँ भी चार्ज का वेलोसिटी जीरो। फिर तुम चैप्टर थ्री में आई जिसका नाम क्या था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें चार्ज का वेलोसिटी कांस्टेंट था, हेरविल बताओ, इसमें भी चार्ज का वेलोसिटी कांस्टेंट था। तो मतलब सर चैप्टर फोर भी वही है। हाँ, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे देखिए, देखो मतलब कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग खाली इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किए, तब मैग्नेटिक फील्ड का भी बात कर सकते थे। तो हम एक स्टूडेंट से पूछे थे ऑफलाइन ट्यूशन में कि ये बताओ कि जो चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था तो खाली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात क्यों किए। तो उसका कहना था कि सर सब एक ही जगह पढ़ लेंगे, मतलब आगे के लिए भी कुछ बचने दीजिए। जवाब उसका बिल्कुल सही था, सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लोगी, आगे भी तो कुछ रहने दोगी ना, इसीलिए चैप्टर फोर को अलग ब्रांच बना दिया। ठीक है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड अलग से पढ़ाया, दोनों को मिला के पढ़ाना बहुत अजीब सा हो जाता। तो ये रीजन उनको के लिए, यहाँ भी पढ़ सकते थे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग सोचे अलग अलग ब्रांच कर देते, बस वही, और कोई कारण नहीं है। नहीं तो इसमें भी तुम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ सकती थी, क्योंकि इसमें भी चार्ज का वेलोसिटी क्या था, जीरो नहीं था, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी था, तब ना क्या बन रहा था इसमें, करंट, इसमें करंट बन रहा था। ठीक है, अच्छा ये करंट का वैल्यू उसमें कांस्टेंट था या वेरिएबल, कांस्टेंट, करंट का वैल्यू उसमें कांस्टेंट था, चलो ये बात क्लियर होनी चाहिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फोर, और चैप्टर फोर जो पढ़ रहे हैं ना उसका नाम है मैग्नेटोस्टैटिक। क्या नाम है, मैग्नेटोस्टैटिक। जब बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक तो उसका मतलब तुम क्या समझती हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये होता है कि चार्ज कांस्टेंट पहली बात तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, ये बहुत लोग नहीं ध्यान देता, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट, ये सबसे पहला मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्टैटिक किसके बारे बोल रहे हैं, चार्ज के बारे। मतलब ये तीनों चैप्टर में, ये तीनों चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था, कांस्टेंट। ये बहुत लोग ध्यान नहीं देता है, ठीक है, ये इसको मिटा दे रहे अभी हम, कांस्टेंट था। चलो यहाँ पर बहुत बढ़िया, अब सुनो, अब तुम चैप्टर फोर पढ़ रही हो जिसका नाम क्या है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म बता दिया इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ तुमको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना। हालांकि बहुत सारे चैप्टर में ऐसे, बहुत सारे बुक में ऐसे लिखा रहता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, यही पढ़ोगी तुम इस चैप्टर में कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। ठीक है, या ऐसा बोल लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। हाँ, क्योंकि करंट कैसे बन रहा है, कि करंट चार्ज से बनता है, और मतलब करंट को कौन बनाया, चार्ज, और उस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनेगा अगल बगल, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान दो, चैप्टर फोर जो है उसका नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक का मतलब क्या समझोगी, चार्ज रुका हुआ, मैग्नेटोस्टैटिक का मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा लेकिन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये मतलब हुआ। जब भी बोले मैग्नेटोस्टैटिक तो मतलब उसका, अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब क्या होगा इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस चैप्टर में क्या होगा, कांस्टेंट। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे पढ़ोगी तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ये गलत फहमी कभी मत पालना कि चार्ज चल रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका मतलब कि करंट चेंज हो रहा है, ऐसा गलत फहमी कभी मत पालना। चार्ज चल रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी कांस्टेंट होगा। तो मतलब कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे कब पढ़ोगी, चैप्टर एट में, चैप्टर एट में पढ़ोगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सुनी हो, जो सनलाइट होता है ना, सन रे। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोग से, जो सनलाइट होता है, सन से जब रेज आता है तो सन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, कंबाइंड होता है। तो फिर सन में वैसा हुआ कैसे, सनलाइट में तो सिर्फ फोटोन होता है, तो फिर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गया। देखो एक बात समझो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज से बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता है। ठीक है, तो चार्ज तो चाहिए ना, कम से कम चार्ज तो चाहिए ना। ठीक है, तो सनलाइट में तो वैसे कुछ नहीं सोचना इसके बारे में। ठीक है, अच्छा चलो इसको छोड़ो, अभी हम लोग वापस आते हैं। मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ोगी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा इसमें, कांस्टेंट होगा। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा मतलब तुम इस चैप्टर में, हाँ हाँ उसके बारे में अभी छोड़ो, अभी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कंबाइन करके बात करोगी इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों कॉम्बिनेशन में चलेगा। अच्छा एक बात क्लियर होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये बी बी जो तभी से लिख रहे हैं उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। एक और जरूरी बात बताना था, याद नहीं आ रहा अभी हमको, चलो कोई नहीं, पहले इतना तुम लोग लिख लो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मतलब इसमें भी हम लोग को वेलोसिटी चार्ज का क्या रहेगा, इसमें भी कांस्टेंट, ये बात क्लियर होना चाहिए कि वेलोसिटी चार्ज का इसमें भी कांस्टेंट है, मूविंग चार्ज।
और आगे जब चलोगे ना चैप्टर में तो एक्सेलरेटेड चार्ज आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी बदलने वाला, मतलब इसमें वही चल रहा है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी ही आगे चल रहा है। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से, फिर आगे शुरू करते हैं हम लोग। और स्टेट हो ना, लिखते लिखते सुन लो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का मतलब ये है ना, जैसे अभी हम बोले ना मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, तो चेंज करने का मतलब ये है कि वो टाइम के साथ चेंज करे, उसका जो वैल्यू हो वो समय के साथ, टाइम के साथ वेरी करने लगे, तब हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। लेकिन अभी तक जितना डिस्कशन, जो भी डिस्कशन होगा इस चैप्टर में, उसमें दोनों कॉन्स्टेंट होगा अभी भी। ठीक है, ये बात क्लियर होना चाहिए। चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं और स्टेट एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी बुक में क्या करता है ना कि इसको पहले स्टार्ट कर देता है मैग्नेटिक फोर्स से, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी हो ना, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, वैसे ही इसमें पहले मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाने लगता है। तो हम लोग वैसे नहीं करेंगे, हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ ऐसे करके चलेंगे सीक्वेंस जो है। तो सबसे पहले ऑरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑरेस्टेड साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, इससे पहले एक साइंटिस्ट था 1802 में, 1802 में, जो कि कुछ बात किया था ऐसा कि मतलब कि जैसे मान लो कि चार्ज है, तो चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो उससे क्या बनेगा, अच्छा एक चार्ज नहीं बाबू, बहुत सारा चार्ज ना, ये क्लियर होना चाहिए, तो उससे क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो ऐसा कुछ और बताया था कि मतलब अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसा कुछ वो बताया था कि कहीं पर करंट है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो सब उसका बात को ओवरकम कर दिया, इग्नोर कर दिया, भाई बकवास कर रहा है। फिर यहाँ पर एक साइंटिस्ट आया ऑरेस्टेड, है ना, 1820 में, उसके जस्ट कुछ साल बाद, ये क्या बताया, ये क्या किया बता रहे, बहुत टाइम पास कर रहा था ऐसे ही, एक कंपास था इसके पास, और ये क्या किया कि जैसे एक वायर था यहाँ पर, मतलब ऐसे ही, मतलब ऐसे ही टाइम पास कर रहा था, बेरोजगारी एकदम, ठीक है, तुम्हारे जैसा, हाँ, तुम्हारे जैसा एकदम बेरोजगारी कर रहा था, ऐसे एक सर्किट था तो उसमें ऐसे करके बैटरी था एक, और उसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा था ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ही टाइम पास के लिए एक कंपास लेके आया वो, और कंपास, कंपास का निडल, कंपास को ऐसे रख दिया यहाँ पर लाके, ये यहाँ पर कंपास लाया, और ये कंपास कैसे यहाँ पर नॉर्थ, इस तरफ साउथ, ठीक है, ऐसे था निडल, है ना, ऐसे बैलेंस्ड निडल। फिर वो लाया ऐसे ही टाइम पास के लिए ला के रख दिया इसके नीचे, मतलब सर्किट ऐसे ऊपर में है और उसके नीचे रखा है, समझना ये बात, सर्किट ऐसे ऊपर में उसके नीचे रखा है। अब हम इसको ऐसे इसलिए बना रहे हैं ताकि तुमको ये बात फील हो, देखो बुक में ये नहीं बनाया रहेगा, ये सब वायर वायर नहीं बनाया रहेगा, सिर्फ एक ऐसे सीधा वायर रहेगा, तो सब सोचता है कि ये इमेजिन ही नहीं हो पाता कि करंट कहाँ से आया, जब भी ऐसे करंट बनाते हैं इसका मतलब वायर में है ना वो, हाँ अच्छा, ये प्लस से निकल रहा है करंट, माइनस में जा रहा है, तो ऐसे जब वो निडिल ला के रखा, अच्छा तुमको एक बात बतानी चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कंपास, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कंपास है ये मैग्नेट के हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नेट का जो, अरे देखो अर्थ का होता है ना ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, तो ये मैग्नेट का काम होता है, ये मैग्नेट बोलते हैं, कंपास का काम होता है डायरेक्शन बताना, किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किधर वेस्ट है, किधर ईस्ट है, तो तुम ये अपना जो डायरेक्शन है वो किस हिसाब से चेंज करेगा, मैग्नेट को देखेगा तब ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। अच्छा एक और बात सुनना, कहीं पर छोटा मोटा मैग्नेट रहेगा ना तो उससे कंपास ऐसे ऐसे होने लगेगा। तुम एक बात और ध्यान रखना, एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, जैसे मान लो कोई आदमी जंगल में चल गया, तो जंगल में जाने के बाद कंपास काम करना बंद कर देता है, क्योंकि जंगल में बहुत सारा मैग्नेट होता है, और उस मैग्नेट के कारण, हाँ मैग्नेटिक मटेरियल होता है, उस मैग्नेटिक मटेरियल के कारण, कौन सा मैग्नेट बोल रहे हैं, जो असली वाला मैग्नेट होता है, मैन मेड नहीं, असली मैग्नेट होता है, जमीन में रहता है, तो क्या होता है उसका कंपास काम करना बंद कर देता है, छोटा भीम में दिखाया था तो उसका वहाँ पर तो उसमें क्या होता है उसका कंपास काम करना बंद कर देता है छोटा भीम में, ठीक है, तो कंपास नहीं काम करता है, तो छोटा भीम बोलता है जरूर यहाँ पर कोई मैग्नेट मटेरियल होगा, मैग्नेटिक मटेरियल होगा, इसलिए कंपास काम करना, ऐसे से कंपास हो रहा है, ऐसे से निडिल, ऐसे से हिल रहा है, उसका बता ही नहीं रहा किधर नॉर्थ, किधर साउथ, किधर ईस्ट, किधर वेस्ट, नहीं बता पा रहा है, तो क्यों, क्या रीज़न है उसका, कि वहाँ पर छोटा भीम का जो जो भी ढोलकपुर जहाँ भी है, तो उसमें क्या आ गया, सुनो ही तब ना आगे, तो उसमें क्या है, उसमें अगल बगल मैग्नेट है, तो वो काम करना बंद कर दिया। ये मत सोचना कि मैग्नेट के हिसाब से वो अपना डायरेक्शन बताता है, ये मत सोचना, हम ये बता रहे हैं कि अगर मैग्नेट आसपास रहेगा तो डायरेक्शन, जैसे मान लो नॉर्थ है से, तो नॉर्थ बताएगा वो, लेकिन क्या होगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, क्यों टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, मैग्नेट है, फिर इधर भी मैग्नेट है, तो ऐसे हो जाएगा, मतलब अपने आप ऐसे से हिलते रहेगा, तो तुमको डायरेक्शन वो ये कंपास नहीं बता पाएगा, ठीक है, समझ में आया यहाँ पर बात, सुनो सुनो आगे सुनो, तुम छोटा भी मत बनो, देखो यहाँ तक, ठीक है, अब यहाँ पर तो करंट है, यहाँ तो कोई मैग्नेट नहीं है, और स्टेट आराम से अपना रूम में बैठा हुआ था, ऐसे रखा इसको, देखा रही ये ऐसे घूम गया, ये ऐसे था ऐसे घूम गया इधर, अब कहा गया एकदम देख करके क्या हो रहा है, वो समझ गया कि कंपास से खराब होगा, उसने सोचा हम ठहरे अंगूठा छाप आदमी, मेरे से क्या कोई एक्सपेरिमेंट होगा, तो सोचा कंपास से खराब होगा पक्का, ये देखो हम ये एंड समझ रही हो ना, मतलब ऐसे रहना चाहिए था इसको, लेकिन ऐसे हो गया, बोले ये खराब कंपास दे दिया यार, जाके उसको दुकान वाला को करिए, आए क्या दे दिए आप, पूरा खराब काम ही नहीं करता है, उल्टा सीधा काम हो रहा है इससे, तो बोला कि नहीं नहीं कंपास तो मेरा एकदम ठीक नहीं, हमको दूसरा चाहिए, फिर दूसरा लेके आया कंपास, दूसरा लेके आया तो वो अपना कोई दूसरा रूम में बैठा हुआ था, कौन कौन,
और स्टेट दूसरा रूम में बैठा हुआ था। अब जो उसका दूसरा रूम था उसमें जो था वायरिंग वो अलग था, मतलब कि वायरिंग अलग ही अलग रहेगा ना यार, सेलिब्रिटी थोड़ी है, हर रूम में सेम वायरिंग रहेगा, अलग टाइप का वायरिंग था, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा था इस रूम में, फिर वो लाया यहाँ पर लाके रख दिया निडिल। ठीक है, अच्छा सुनो, ऐसा नहीं हुआ है, वो बहुत दिमाग लगाया इसके ऊपर, है ना, ऐसा मत सोचना कि ऐसा ही था, लेकिन एक्चुअली में ना किताब में बहुत सारे ऐसे लिखो कि ऐसे ही टाइम पास करते हो और ला के रखा इसको कंपास निडल को। तो जब लाया ये चीज़, क्योंकि देखो जब तुमको ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कि तुम कोई चीज़ को दूर से देख रही हो, तो तुमको कोई चीज़ बहुत दूर से अजीब सा दिख रहा है, तो तुम और कोशिश करोगी देखने का ऐसे करके, वही ये कर रहा था कि अजीब सा इसको लगा तो फिर और करने लगा एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है, अब यहाँ करंट कैसे फ्लो कर रहा है, उल्टा फ्लो कर रहा है, प्लस से माइनस से उल्टा जा रहा है। अब क्या हुआ, ये देखता है कि होना चाहिए था निडिल को ऐसे, मतलब ये नॉर्थ और ये साउथ, ऐसे ही रहना चाहिए था निडिल को। अच्छा ये निडिल ऐसे है ना, पहले इमेजिन करना, ये कंपास ऐसे रखा हुआ है और उसके ऊपर सर्किट है, तो ये जो निडिल है ये ऐसे ऐसे घुमा है ना अभी, फिर ऐसे घूम जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, नॉर्थ इधर हो जाएगा, मतलब साउथ इधर चल जाएगा और नॉर्थ इधर हो जाएगा। फिर अब कहा गया, अब तो पूरा यकीन हो गया इसको कि भाई मतलब यहाँ पर कुछ तो है, कुछ तो है यहाँ पर, मतलब मैग्नेट के जैसा, मैग्नेट के जैसा, मैग्नेट के जैसे, मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोल रहा है, उसको यकीन ही नहीं है अपने ऊपर, मैग्नेट के जैसा कुछ तो है यहाँ पर, क्योंकि ये मैग्नेट से ही डिफ्लेक्ट करता है और कोई चीज़ से ये ऐसे डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मैग्नेट का मतलब मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा वो जो जंगल का एग्जाम्पल दे रहे थे उसमें कौन सा मैग्नेट होता है, बोलते हैं उसको परमानेंट मैग्नेट। दो टाइप का मैग्नेट होता है ना, एक होता है इलेक्ट्रो मैग्नेट, एक होता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट उसको बोलते हैं जो नेचर में पाया जाता है, और ये जो निडिल है उसी मैग्नेट को देख के ऐसे ऐसे हिलता है, समझ में आया। तो मतलब ये समझ में आया कि यहाँ पर लिखते हैं #निडिल चेंजेस, कौन सा निडिल, मैग्नेटिक निडिल, मैग्नेटिक निडिल, निडिल चेंजेस इट्स डायरेक्शन, निडिल चेंजेस इट्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ करेंट, विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। सही बात है ना, इलेक्ट्रिक करेंट, करेंट के हिसाब से निडिल अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ये समझ में आया उसको, लेकिन अभी भी वो सब बात कंफर्म नहीं कर रहा कि है यहाँ पर क्या एक्चुअली। फिर बाबू ये पूरा भीड़ जमा कर लिया कि देखिए ऐसा हो रहा है, तो फिर बाकी लोग यकीन नहीं किया कि बकवास कर रहा है इसको, वैसे ही कुछ खराब होगा, कुछ एरर होगा, कैसे ये निडिल जो है ये तो मैग्नेटिक निडिल है, और मैग्नेटिक निडिल जो है वो करंट के हिसाब से कैसे चेंज कर सकता है, कोई यकीन ही नहीं किया इसका बाद में। तो ये फिर एक और दो लाइन कुछ और करके दिखाया एक्सपेरिमेंट, उससे तुमको भी यकीन हो जाएगा कि इसका बात सही है, लेकिन देखो क्या लिखा हुआ, और स्टेट एक्सपेरिमेंट लिखा है, लॉ नहीं लिखा है। हालांकि ये जो तुम चैप्टर पढ़ रही हो ना कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसके बारे में बताया यही, लेकिन लॉ इसलिए नहीं है क्योंकि वो फॉर्मूला ही नहीं दिया, ये अंगूठा छाप आदमी ठहरा, तो फॉर्मूला कहां से लेके आएगा, कोई फॉर्मूला हमने कुछ नहीं दिया, बस ये ऐसे करके, और ये एक्सपेरिमेंट नहीं बाबू इसका, तो टाइम पास कर रहा था, तो इसको जरूर से लिखो। और ये मत सोचना कि सर अपने मन से यहां पर ऐसे था तो सर ऐसे करके दिखा दिया, ना ना ना, उसका ऑब्जर्वेशन है ये कि अगर ऐसे रखोगे इसको और करंट कैसे फ्लो कर रहा है इसमें क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक निडिल ऐसे हो जाएगा। अच्छा इस तरफ तुम लोग एक बात जानती होगी कि यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है, कि ये जानती होगी ये चीज़, नॉर्थ साउथ इस तरफ क्या होता है, ईस्ट, और इस तरफ होता है वेस्ट। तो अगर हम इधर नॉर्थ बनाए हैं, इधर साउथ बनाए हैं, तो नॉर्थ साउथ, तो इस तरफ क्या होगा, ईस्ट, और इस तरफ क्या होगा, वेस्ट, तो इस तरफ वेस्ट होगा और इस तरफ क्या होगा, ईस्ट होगा ना, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पर भी होगा वेस्ट और इस तरफ होगा ईस्ट। तो अभी तुम ये बोल सकती हो कि जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे कैसे, एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक फ्लो कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक निडिल का नॉर्थ जो है किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ईस्ट की तरफ, और जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिक निडिल किस तरफ पॉइंट कर रहा है, वेस्ट की तरफ। क्या चीज़ इसका, नॉर्थ पोल किस तरफ पॉइंट कर रहा है, वेस्ट की तरफ। क्लियर है, ये ऐसे ही नहीं बनाया, मजाक में नहीं, ऐसे ही हुआ था एक्सपेरिमेंट। तो चलो तुम एक काम करो, इसको लिखो पहले, फिर हम लोग थोड़ा और दो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे। अब ये तो तुम 10th में भी था लेकिन उतना ध्यान नहीं दी होगी, लेकिन हम लोग को तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से समझेंगे ये वाला चीज़, और स्टेट समझाया था इससे दो लाइन, ठीक है, देखते हैं, लिखो इसको पहले। ये नहीं है और स्टेट का रिजल्ट, दिस इज नॉट और स्टेट रिजल्ट, ये तो वो ऐसा देखा, अभी रिजल्ट नहीं लिखे उसका, ऑब्जर्वेशन है ये तो उसका, अभी रिजल्ट फाइनल अभी लिखेंगे हम लोग, ठीक है, देते हैं हम लास्ट में कि इस केस में जब मेरा करंट का डायरेक्शन कैसा है, इसमें करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जब है तो क्लॉकवाइज के करंट में जो तुम्हारा नॉर्थ पोल है, एन का मतलब नॉर्थ पोल, वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसको कोई रीज़न नहीं है क्यों वेस्ट की ही तरफ पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पर जब एंटी क्लॉक है करंट, किसके बारे में, ये क्लॉकवाइज बोल रहे हैं करंट के बारे, और जब यहाँ पर करंट एंटी क्लॉक है, तो एंटी क्लॉक के केस में जो मेरा नॉर्थ पोल है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ,
चलो इसको लिख लेना। टुवर्ड्स का मतलब क्या बोल रहे हैं, समझ में आया? टुवर्ड्स मतलब कि एकदम ही ऐसे नहीं चल गया है, उसके तरफ ऐसे थोड़ा डेविएट हो गया है, ठीक है, ये मतलब। चलो एक चीज जरा सुन लेना, ये पहला हम बात बताएं तुमको, ये फर्स्ट वाला हुआ, ये दूसरा वाला हुआ, और तीसरा बात ये है कि जब ये करंट को इसमें ऑफ कर देगा, करंट को ऑफ का मतलब जैसे मान लो ये रजिस्टर और ये बैटरी, ठीक है, अभी इसमें करंट का वैल्यू जीरो हो गया, मतलब करंट इस सर्किट में एक भी फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जो कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा? नो डिफ्लेक्शन इन कंपास, मतलब कि जो कंपास है उसमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा जब करंट रुक जाएगा। करंट मान लो यहां पर अभी जीरो कर दिए, एक भी करंट नहीं है, तो ये जो निडिल रहेगा सीधा रहेगा, मतलब कुछ इस टाइप का, देखो मतलब ये जो निडिल रहेगा वो इस टाइप का हो जाएगा। तीसरे केस में देखो, ये तुम्हारा कंपास निडिल, और इस तरफ है नॉर्थ और इस तरफ क्या है साउथ, तो ये ऐसे ही रहेगा। कब यहां पर करंट है? नहीं है, तो नहीं है तो ये क्या है? सीधा हिल ही नहीं रहा, इसका मतलब पक्का ये करंट के हिसाब से ऐसे से हो रहा है कि नहीं? करंट के हिसाब से ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो एकदम कंफर्म हो गया इसको कि करंट से कुछ तो हो रहा है यहां पर, कुछ मैग्नेटिक जैसा कुछ हो रहा है। मैग्नेटिक क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये जो कंपास है ये मैग्नेट का ही डिफ्लेक्शन से, मैग्नेट से ही डिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए। अब तुमको बता रहे हैं एक बात हम, कि ऐसा तुम सही में कर सकती हो, ये जो करके देख रहा हूँ स्टडी, तुम सही में कर सकती हो। मेरे पास कंपास नहीं है, अभी हम ऑर्डर किए हैं कंपास, ठीक है, देखेंगे करके। सही में होता है ऐसे, जैसे ये बैटरी रहता है ना घर में, एक ऐसे बड़ा टर्मिनल रहता है इधर और इधर छोटू वाला रहता है, तो यहाँ से एक वायर में जो खुला हो, वायर मतलब ये नहीं कि इंसुलेटेड वायर ले लेना, खुला वायर को ऐसे कनेक्ट कर दो और इसके अगल बगल कंपास ले आओ, तो सही में कंपास हिलेगा, असली में जो कंपास मिलता है वो सही में हिलने लगेगा। एक बैटरी ले लो, वायर को बैटरी का दोनों छोर से ऐसे कनेक्ट कर दो और सही में कंपास फिर ऐसे से तुमको डिफ्लेक्ट होते दिखेगा, तो ये चीज़ सही में होता है, ऐसे ही मजाक में वो नहीं बोला है, ठीक है, यूट्यूब में सर्च करोगे मिल भी जाएगा तुमको एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो अब समझना ये क्या बताया, बाकी लोगों को क्या जवाब दिया ये, ठीक है, कैसे मतलब बाकी लोगों को यकीन दिलाया कि बात एकदम सही है। देखो कैसे बता रहे, यहाँ पर क्या किया कि वो एक स्ट्रेट वायर लिया, क्या लिया? स्ट्रेट वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा था। अब ये जो वायर है, एक थोड़ा सा इसमें अजम्पशन है ना, किताब में इसे एक्सप्लेन किया है कि ये जो वायर है इसको हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि ये वायर बहुत लंबा है, बहुत लंबा, इनफाइनाइटली लॉन्ग, बहुत लंबा वायर है, और ये एक स्ट्रेट वायर है, क्योंकि वायर तो असली में वायर कैसा होता है जी बताओ? एक्चुअली में स्ट्रेट होता है वायर, अरे मुड़ा उड़ा रहता है ना, अजीब सा रहता है, कहीं मोटा रहेगा कहीं पतला रहेगा, हर वायर तो एकदम एकदम स्मूथ तो नहीं रहता है ना, कहीं मोटा कहीं पतला, मतलब उसमें जो करंट होता है उसमें वेरिएशन होता है, वेरिएशन मतलब कहीं पर तुमको ज़्यादा करंट मिलेगा, कहीं पर वायर खराब हो गया तो थोड़ा कम करंट वहां पर मिलेगा, ये चीज़ होता है ऐसा, ठीक है। तुम क्योंकि ये चीज़ देखते हो कि कहीं कहीं पर वायर जल जाता है कभी कभी, क्योंकि वहां पर हैवी करंट हो गया था। हाँ नहीं, वायर जैसे मोड़ उड़ के रखता है इंसान, मुड़ा उड़ा रहता है वायर अजीब सा, तो हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि जो वायर रहे एकदम स्ट्रेट रहे और कैसा रहे, यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म किसके बारे में बोलते हैं मालूम है? यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म, क्या चीज़ के बारे में मतलब यूनिफॉर्म बोलते? यूनिफॉर्म हम यहाँ पर बोलते हैं उसका क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई, वायर हर जगह सेम मोटा होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं ज़्यादा मोटा कहीं कम मोटा, तो करंट चेंज करने लगे, है ना, ठीक। तो क्रॉस सेक्शन एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, और यहाँ पर जो ये होना चाहिए करंट, उसका वैल्यू भी एकदम 100% क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट, करंट का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ कि इस वायर में कितना चार्ज है, टोटल नेट चार्ज कितना है इस वायर में? चलो उसके बारे में हम लोग बाद में आते हैं, पहले और पहले इस पर बात करते हैं, नेट चार्ज के बारे में समझना। देखो यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ क्या फ्लो कर रहा है? करंट। अब इसके अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसके बगल में, और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब यहीं पर सबसे पहला सवाल आता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है इस बात पे। आप तो बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर सर चार्ज है, तो चार्ज से क्या निकलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे निकल के ये फील्ड कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो ये जो वायर है इसमें करंट है, हाँ इसमें देखिए करंट है, ये देखो ये करंट है ना जा रहा है ऊपर, तो करंट में यहाँ कितना चार्ज से बना होगा? करंट कम से कम मान के चलते चलो कम से कम 10-15 चार्ज होगा, तो हम तीन चार्ज ले लेते हैं, इस चार्ज से ऐसे निकल रहा होगा ना जी इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं बताओ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे बोल रहे हैं फिर यहाँ पर? ऐसे भी निकल रहा होगा भाई, तो यहाँ तो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन फिर भी हम जीरो, कैंसिल कैसे हो जाएगा? कैंसिल कैसे हो जाएगा? कैंसिल कैसे होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट करता है क्या एक दूसरे को? कैंसिल कैसे हो जाएगा? बोलिए सर कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे कैंसिल होगा? अच्छा मतलब ये वाला इससे ऐसे कैंसिल हो जाएगा? भाई साहब तो पूरा चैप्टर वन गलत हो जाएगा। चैप्टर वन जो पढ़ी हो कि मान ले कि एक सिलेंडर है, चैप्टर वन जो पढ़ी हो कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर या एक शीट, सिलेंडर में ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उससे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती थी ना प्लस से ऐसे, तो कैंसिल कैसे हो जाएगा? गजब बात कर रही हो यार, तुम लोग पगला पगला उगला गई हो, ठीक है, कैंसिल थोड़ी होगा,
कैंसिल हो जाएगा तब तो भाई पूरा चैप्टर ही बर्बाद हो जाएगा वन। तो मतलब यहाँ पर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक यहाँ जीरो लिख रहे हैं, उसका रीजन है देखो एक वायर। देखो तुम जो चैप्टर वन पढ़ी हो ना, उस चैप्टर वन में याद करो कि हम लोग पढ़े थे कि एक प्लेन शीट रहता था, याद आया? एक प्लेन शीट रहता था, उसमें पॉजिटिव चार्ज ऐसे रहता था चैप्टर वन में, और बोलता था गॉस लॉ लगाइए और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ लगा के निकालती थी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ऐसे निकालती थी। लेकिन ये जो था शीट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाती? सर ऐसे निकल रहा है और ऐसे निकल रहा है, मतलब प्लस से ऐसे दूर निकल रहा है, ऐसे दिखाती थी ना। तो तुम प्लस ही यहाँ काहे लेती थी, एक तरफ प्लस और पीछे की तरफ माइनस काहे लेती थी? क्योंकि तुमको ये बात मालूम था कि अगर एक तरफ प्लस ले लिया एक तरफ माइनस ले लिया तो पूरा नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। तो ये जो वायर होता है इसमें जितना प्लस उतना ही माइनस, तो नेट चार्ज वायर में कितना है? जीरो। समझ आया? नेट चार्ज इस पूरा वायर में कितना है? जीरो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो कैसे हो रहा है? अरे नेट चार्ज जीरो है, चार्ज थोड़ी जीरो है, इलेक्ट्रॉन अलग फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा होगा? नीचे। अच्छा ये जो हम दिखाएं ये कौन सा चार्ज है? ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और इसके नीचे में कौन फ्लो कर रहा होगा? नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन। समझ रही हो? तो नेट चार्ज जीरो बोलने का मतलब कि इन दोनों का सम जीरो है, चार्ज थोड़ी जीरो है। चार्ज जीरो होगा तो करंट ही नहीं बनेगा। नेट चार्ज मतलब प्लस एक माइनस। अच्छा जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, ये बात मानती होगी? नहीं बताओ। चलो ठीक है ये तुमको लेकिन हम किसके बारे में पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं इधर अलग अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो हुआ, चार्ज के बारे थोड़ी बोल रहे हैं हम। पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो हुआ अगल बगल, नेट चार्ज जीरो कैसे? समझ में आया? तो नेट चार्ज जीरो से तो सब काहे बता रहे हैं तब? हम तुमको ये फील करवाना चाह रहे हैं कि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। मतलब अगर ये प्लस चार्ज से ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, मान लो यहां पर एक पॉइंट पी है, यहां पर एक पॉइंट क्या है? पी। तो अगर इस प्लस चार्ज से ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो इस माइनस से यहां पर फील्ड कैसा बनेगा? टुवर्ड्स बनेगा। समझ रही हो? इस पॉइंट पे इस माइनस के लिए फील्ड टुवर्ड्स, लेकिन इस प्लस के लिए क्या होगा? अबे मतलब इसका ऐसे जा रहा और ये वाले का वैसे जा रहा, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया? देखो समझो यहां पर करते, देखो मान लो इसका फील्ड ऐसे जा रहा है और ये वाला कैसे जा रहा है? ऐसे टुवर्ड्स। तो तुम या फिर ऐसे देख लो, देखो यहां पर ध्यान से देखना, ये थोड़ा हम नीचे ऊपर ले लिए ना, नीचे ऊपर ले लिए इसलिए नहीं समझ में आ रहा। देखो जैसे ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस भी तो कहीं यहीं पर होगा ना, एकदम नीचे ही होगा ना उसका, एकदम इतना नीचे हम ले लिए थे, कहीं नीचे ही होगा ना। जैसे ये प्लस क्यू है तो उसके नीचे ही माइनस क्यू होगा ना एकदम। तो इस माइनस क्यू से यहाँ पर अगर तुम फील्ड देखो थोड़ा ठीक से आराम से, थोड़ा नीचे बना दिया इसलिए तुमको नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ पर पॉइंट ले लिए और ये प्लस से ऐसे फील्ड है और ये माइनस से कैसे होगा? यहाँ पर ऐसे होगा, इमेजिन हुआ भाई? ये प्लस से फील्ड ऐसे और माइनस से ऐसे, मतलब इसी पॉइंट पे दोनों का फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? उल्टा। तो ऐसे से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा दोनों चार्जेस का, अच्छा चार्ज का वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट है ना, कि चार्ज का हर चार्ज का वैल्यू अलग अलग है, क्यू 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 चार्ज है। तो इसीलिए तुम लोग को स्टार्टिंग में जब हम पूछे थे तो तुमको क्या बोले थे कि जो चार्ज है वो कैसा है? ए? चार्ज कैसा है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नेचर है चार्ज का, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली। अच्छा तुम एक बात समझ लो बाबू, एक बात फिर से बोल दे रहे हैं, ये सारा डिस्कशन किसके लिए है? आइडियल, आइडियल केस है ये। रियली में जो वायर रहता है ना उसके अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, साफ साफ बोल रहे हैं। सारा डिस्कशन किसके लिए है? ये आइडियल केस के लिए, क्योंकि रियल वाला वायर जो तुम खरीद कर आती हो एकदम सब तरफ सेम एकदम पतला रहता है, वो कहीं मोटा रहता है कहीं पतला रहता है, समझ रही हो? हाँ जैसे नॉन यूनिफॉर्मली रहता है ना कहीं पर, अब उस वायर को ला के नहीं दिखा सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि तुम उसके अगर अगर अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो कुछ कुछ वैल्यू उसका मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं रहता है, कहीं पर करंट ज्यादा कहीं पर करंट कम। क्यों ऐसा होता है बता रहे उसका रीजन? जैसे देखो होता क्या है ना, यूनिफॉर्म बोलने का मतलब ये मत सोचो कि एकदम जैसे जैसे ये वाला देखो, ये वाला जैसे देखो वायर, ठीक है? तो ये हर जगह सेम क्रॉस सेक्शन का, लेकिन देखो कहीं पर मुड़ा हुआ है कहीं पर सीधा है, तो कहीं पर करंट ज्यादा आराम से पास करेगा कहीं पर कष्ट होगा करंट को, कहीं पर ये चिपा जाएगा। हाँ, तो अंदर में जो वायरिंग है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा कहीं पर कभी कभी वायर जल जाता है तो जलने से वहां पर करंट का इफेक्ट कम हो जाएगा, समझ रही हो? लेकिन यहां हम जो वायर लिए हैं ये एकदम बढ़िया है, एकदम स्ट्रेट है वायर। अगर इसको टेढ़ा कुबड़ा ले लोगी ना तब इलेक्ट्रिक फील्ड गड़बड़ा जाएगा, तब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आने लगेगा। तो वायर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, दिस इज डिफाइंड फॉर अ स्ट्रेट वायर, एकदम सीधा। और आइडियल वायर, आइडियल वायर किसको बोलते हैं? आइडियल वायर उसको बोलते हैं जिसमें हर जगह करंट का वैल्यू सेम रहता है, कहीं भी ज्यादा कम फ्लक्चुएशन करंट का नहीं मिलेगा। तो उसमें जितना चार्ज, अगर मान लो यहाँ पर दो, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसके जस्ट ऊपर में भी एक प्लस और एक माइनस रहेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो सब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का कैंसिल कर देगा, ठीक है? अच्छा देखो एक और चीज समझ लो, एक और छोटा सा बात देखो, जैसे मान लो कि अगर हम बात करें ये प्लस वाले चार्ज का, तो इस प्लस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगी? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो प्लस क्यू चार्ज का तो क्या लिखोगी? प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखोगी। लेकिन अगर नेगेटिव वाले चार्ज का लिखोगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या लिखोगी?
नेगेटिव वाले चार्ज का लिखोगी ई, और यहाँ पर माइनस क्यू लिखोगी, क्या लिखोगी? माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब तुमको हम फॉर्मुलस समझा दे रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट से समझाएं, अभी फॉर्मुलस बता दे रहे हैं। तो एक का नेगेटिव आएगा, बोलोगे सर यहाँ नेगेटिव और प्लस आप ले रहे हैं, नेगेटिव और प्लस आप ले रहे हैं, नहीं ले सकते हैं, नेगेटिव और प्लस नहीं ले सकते हैं, क्यों? आप तो बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो चार्ज को कभी भी यहाँ पर प्लस माइनस मत लेना। आप तो बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमेशा चार्ज अगर नेगेटिव भी रहेगा तो भी प्लस लेना। भाई ये सब चैप्टर वन का बताया हुआ है कि अगर चार्ज नेगेटिव भी रहे तब भी क्या लेना उसको, तो फिर यहां तो आप, अरे भाई यहां पर माइनस प्लस क्यों लिख रहे हैं? डायरेक्शन बताने के लिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। क्यों नेगेटिव चार्ज कैसे जा रहा है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स जाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस से कहां जाता है? अवे। तो यानी अब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड को जब तुम जोड़ोगी ई प्लस क्यू, फिर यहां पर प्लस ए लिखोगी, लेकिन यहां पर क्या होगा? ई माइनस क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा है ना भाई, ये वाला ऐसे वो वाला ऐसे। अब नेट निकालोगी तो कितना आएगा बोलो? नेट निकालोगी तो कितना आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर। और एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा दोनों, समझ में आ रहा है? तो इसके यहां पर हम ये चेक किए, तो यहां पर भी क्या होगा? जीरो। यहां पर भी क्या होगा? हर जगह अगल बगल यहां पर भी क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि यहां पर भी वैसे ही होगा, एक प्लस क्यू चार्ज होगा, एक माइनस क्यू चार्ज होगा, इसके वजह से टूवर्ड्स जा रहा होगा, इसके वजह से अवे जा रहा होगा, तो दोनों फील्ड्स आपस में जोड़ करके एक पॉइंट पे जुड़ करके क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आ रहा है? बात नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? तो ऐसे करके हम लोग बोलते हैं कि एक वायर के, कैसा वायर? लेकिन स्ट्रेट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, जिसमें करंट कांस्टेंट हो और चार्जेस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, आइडियल वायर या यूनिफॉर्म वायर, ठीक है? आइडियल वायर मतलब कि हम लोग का जो असली वायर रहता है उसमें प्रॉब्लम्स होता है सही में, और ये चेक किया गया है कि उसके इलेक्ट्रिक अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ मौजूद होता है। समझ में आया मेरी बात कि नहीं समझ? बोलो क्या बोल रही हो? हाँ, कॉन्स्टेंट करंट। हम लोग का घर में जितना करंट है वो कॉन्स्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट घर में करंट? मतलब कि समझना, जो खास करके मोबाइल और ये सब में आ रहा है, मोबाइल और ये सब में जो करंट आ रहा है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग डीसी सोर्स यूज़ करते हैं ना मोबाइल फोन में, जैसे जो टेलीविजन है डीसी सोर्स, डायरेक्ट करंट सोर्स। पहले एक बात समझो यार, एक बात समझो पहले, यहाँ हम बता दे रहे ले छोटा सा एकदम। देख जैसे मान लो ये रजिस्टर है और ये क्या लगा है? बैटरी। तुमको करंट के बारे वेरिएबल या कांस्टेंट कभी नहीं सोचना चाहिए इन सब चैप्टर्स में। क्यों? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि एक बैटरी का प्लस टर्मिनल या माइनस टर्मिनल, तो बैटरी का प्लस टर्मिनल से क्या निकलता है? करंट, और माइनस में चल जाता है। तो ये करंट हमेशा कांस्टेंट, कभी वेरिएबल नहीं। सर काहे? अरे भैया क्योंकि बैटरी लगा है यहां पर, और बैटरी होता है डायरेक्ट करंट का सोर्स, मतलब बैटरी का वोल्टेज वी है तो वी ही रहेगा। कि चेंज कर जाएगा बैटरी का वोल्टेज? नहीं, टाइम के साथ बैटरी का वोल्टेज कभी चेंज नहीं करेगा। अगर तुम बोलोगे सर हमको करंट ज्यादा चाहिए, तो बैटरी बदलो फिर। तो तुम इसके पिछले जितने चैप्टर, जितना भी चैप्टर अभी तक पढ़ी, अभी तक में वो सारे चैप्टर्स में करंट क्या था? कांस्टेंट। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हर जगह करंट क्या था? कांस्टेंट। क्योंकि बैटरी जो तुम लगा रही थी उसका वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट। और ये बैटरी जो लगाते हैं ना इसे करके लकीर खींच के, इसको बोलते हैं डीसी सोर्स, डायरेक्ट करंट सोर्स, तो ये हमेशा कांस्टेंट करंट देता है। अब एक चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, उसमें तुम क्या पढ़ोगे? करंट का वैल्यू चेंज कर रहा है, ठीक है? क्योंकि वहां एसी सोर्स लगेगा। समझ में आया ये सब जो बताएं? तो एक काम करो, ये डायग्राम बना लो और ये लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर हम लोग और स्टेट के बारे में और डिस्कशन करते। ये सब तो तुम लोग को मालूम ही नहीं था पहली बात तो, और ये तो खाली समझाने के लिए था, इसको नहीं बनाना है। तो तुम लोग को ये बात समझ आए कि ये जीरो कैसे हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ, क्या बोलो? एसी हम लोग घर में जो आ रहा है ना करंट, वो एसी है। हम लोग घर में जो करंट आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है, हाँ, और वो डीसी में कन्वर्ट हो रहा है तब उसको हम लोग यूज कर पा रहे हैं, ठीक है? क्या? जैसे मोबाइल जो होता है उसमें जो चार्जर होता है, मोबाइल का चार्जर, उसमें लगा रहता है ये, उसमें मोबाइल जो है ना, मोबाइल को जब चार्ज करती हो तो चार्जर इसे घुसाती हो, तो चार्जर क्यों उसमें लगाती हो? चार्जर इसलिए लगाती हो क्योंकि तुमको मालूम है कि उसमें एसी करंट आ रहा है और मोबाइल को चाहिए डीसी, ठीक है? एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है? कहाँ कहाँ चल जा रही, यहाँ पर वापस आओ। अल्टरनेटिंग करंट नहीं होता है इसमें, बस एक्सेप्ट करो डीसी होता है यार। एसी डीसी पढ़ाया जाएगा आगे चल के, टेंथ में भी बताया जाता है ये सब तो, कि घर में एसी आता है तो उसको डीसी में कन्वर्ट करके तब यूज़ करते हैं। कहाँ है तुम लोग? ठीक है, लिख लो इसको, एकदम है अंगूठा छाप है, लिख इसको जल्दी से, ठीक है? और स्टेट से बड़ा अंगूठा छाप है तुम लोग, इसको तो ये सब भी आता था। हैशटैग आइडियल वायर, आइडियल वायर, आइडियल वायर बता दिया कि उसको बोलते हैं जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। आइडियल वायर है जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अराउंड द वायर। आइडियल वायर है जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, मतलब आइडियल वायर के अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कैसे होता है? समझा दिया गया, ठीक है? तुम लोग अच्छा, तुम लोग ये ऐसे खाली 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 प्लस 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 चार्ज रहता तब यहाँ पर जीरो नहीं होता, ये बात क्लियर है ना? क्योंकि वायर के अंदर दोनों होता है, अगर करंट है तो प्लस चार्ज भी होगा और माइनस चार्ज भी होगा, ठीक है? अच्छा, ये वायर बहुत लोग पगलाता है कि सर इसमें करंट आया कैसे? अरे बकलोल, यहाँ पर ये किससे जुड़ा होगा? यहाँ पर ये किससे जुड़ा होगा?
बैटरी से जुड़ा होगा। बैटरी का यहाँ पर एक छोटा वाला टर्मिनल होगा, यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ बड़ा वाला टर्मिनल होगा, यहाँ पर छोटा वाला टर्मिनल होगा, और तब इसमें ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा है। देखो फ्लो हो रहा है ना करंट का, कहाँ से फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है प्लस से और ऐसे जा रहा है। और क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नहीं, अगल बगल हर जगह जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह, यहाँ पर भी जीरो, सब जगह जीरो होगा। ये बात यकीन हुआ ना, फॉर्मूला से भी बता दिए और कॉन्सेप्ट से भी। देखो यहाँ पर था कि एक वायर था यहाँ पर, इसमें करंट था आई, ठीक है, और स्टेट अभी सब लोग को पूरा भीड़ जमा कर लिया, साइंटिस्ट लोग को सबको बुला लिया है ना समझाने के लिए। तो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो होता है, तो पहले उन लोगों को बकलाया बताया वो कि बकलोल सही में यहाँ जीरो होता है, एक्सप्लेन किया उन लोगों को पहले, ठीक है, कि जीरो सही में होता है और यहाँ पर भी क्या होगा जीरो। तो लोग मान लिया कि ठीक है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कैसे समझा दिया, क्योंकि ये कैसा वायर है, आइडियल वायर, सारा चीज़ समझा दिया कैसे जीरो होता है, ठीक। अब वो बोला कि चलिए यहाँ पर एक चार्ज लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं यहाँ पर, क्या लेके आते हैं, चार्ज। तो चार्ज लेके आया यहाँ पर, ठीक है, और ये जो चार्ज था इसको वो वी वेलोसिटी दिया, क्या चार्ज, चार्ज को दिया वी वेलोसिटी। क्या इस चार्ज पे फोर्स लगेगा कोई, ये चार्ज यहाँ रखा है, क्या इस चार्ज पे कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। बोलोगी क्यों, अरे क्योंकि चार्ज पे फोर्स तभी लगता है जब वो उसको कहाँ रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है। बताओ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अगल बगल, यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर फोर्स कितना आएगा, जीरो आएगा, लेकिन चार्ज पे फोर्स लग रहा है, चार्ज पे फोर्स लग रहा है, और कैसे लग रहा है वो बताते हैं, एक मिनट रुक जाओ। चार्ज पे फोर्स ऐसे लग रहा है, ये चार्ज पे फोर्स लग रहा है, देखो चार्ज किधर जा रहा है, देखो ठीक से, चार्ज किधर जा रहा है, नीचे, लेकिन चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर। अजीब टाइप का यार, अजीब, यहाँ पर क्या बन रहा है, कुछ कोई फील्ड बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं ना है। तो एक साइंटिस्ट खड़ा हुआ, बोला क्या, हाँ क्या बोलना है, और क्या बोलना है, तो बोला कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है इसलिए नीचे जा रहा है। बोला बकलोल आदमी ग्रेविटेशन, अच्छा यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है, वही लगा उसको, बोला कि ग्रेविटेशनल फील्ड है इसलिए नीचे जा रहा है। तो बोला बकलोल आदमी फोर्स इधर है, अगर ग्रेविटेशन से चार्ज होता है तो तब तो ग्रेविटेशन से नीचे लगना चाहिए ना फोर्स, लेकिन फोर्स तो इधर लग रहा है। तो बोला तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, बोला अभी बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है नहीं, और एक और दूसरा फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल तो नीचे लगता है, लेकिन ये लग कहाँ रहा, इधर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं ग्रेविटेशनल भी, तो क्या, तब क्या है भाई, तब कोई नया फोर्स है। तो बोला तब बताइए आप ही बताइए क्या है, तो बोला कुछ ये मैग्नेटिक फोर्स जैसा है, मतलब कोई मैग्नेटिक फोर्स, ये बोल, ये नहीं बोल रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स है, उसको कन्फर्म ही नहीं है, उसके पास उतना दिमाग, ठहरा अंगूठा छाप आदमी, ठीक है, अब समझना ध्यान से। अब बोला कि चार्ज हम यहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे चार्ज, यहाँ रखेंगे। तो जब ये चार्ज यहाँ रखेगा, और मान लो कि चार्ज को ये ऊपर लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर, अब देखना इस पे फोर्स कहाँ लगेगा चार्ज पे। जरा देखने दो, एक नियम होता है उससे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस पे जो अभी फोर्स लग रहा है, इस पे जो अभी फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है चार्ज पे, इस तरफ ये फोर्स लग रहा है उस पे, इस पे अभी फोर्स कहाँ लग रहा है चार्ज पे, रुक जा चेक करने दो, वेट वेट वेट, लेट मी चेक इट, नहीं नहीं इधर नहीं लग रहा बाबू, इस तरफ लग रहा है, सॉरी आई एम सॉरी, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है फोर्स, इधर लग रहा है, और इस वक्त यहाँ जब रखे थे तो किधर लग रहा था, उस तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेक कर लेते, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाओ, तो सार सुफ इधर फोर्स ऐसे लग रहा है, और इस तरफ वाला फोर्स, एक मिनट हम चेक करके बता रहे, रुक जाओ, यहाँ पर क्रॉस लेंगे हम लोग, है ना, ये क्रॉस हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए बना रहे हैं, क्रॉस से होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे अंदर हुआ, तो ये अगर अंदर है चार्ज नीचे, तो हाँ ठीक लगाया, ऐसे फोर्स होगा, ठीक। तो इस केस में यहाँ पर जब चार्ज नीचे जा रहा है तो फोर्स ऐसे, और जब चार्ज कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो फोर्स इसके तरफ। मतलब ये कैसा अजीब सा फील्ड है, जिसमें चार्ज को नीचे भेजते हैं तो फोर्स ऐसे लगाता है, चार्ज को ऊपर भेजते हैं तो अपने तरफ बुलाता है, देख रही हो, बड़ा अजीब टाइप का फोर्स है। और इसी फोर्स को वो बोल दिया कि यहाँ पर और कुछ नहीं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, फाइनली वो बोल दिया फिर, स्टेट यहाँ और कुछ नहीं, मैग्नेट, कन्फर्म कर दिया उस बात को, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया, वो बोला कि यहाँ पर और कुछ नहीं, कोई और फील्ड नहीं है, ग्रेविटेशनल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो पक्का एक नया फील्ड होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। बोला कैसे मैग्नेटिक फील्ड, फिर कंपास रख के दिखा दिया, देखिए कंपास, कंपास को यहाँ रखने से कभी ऐसे हो रहा है कंपास, कभी वैसे हो रहा है, पक्का यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर लिख दिया फिर हैश टैग, पूरा भीड़ जमा करके सारा साइंटिस्ट को कन्फर्म करते हुए लिख दिया हैश टैग करेंट कैरिंग, करेंट कैरिंग वायर क्रिएट्स, क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट सेल्फ, अराउंड अराउंड इट सेल्फ,
मतलब यहाँ पर इस चार्ज पे फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ नहीं, अरे उस मैग्नेटिक फील्ड को सिंबल क्या दे रहे हैं हम लोग, बी, वेयर बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, पहले ही बता दे रहे, वेक्टर फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेक्टर होता था, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, ठीक है। लिख लो इसको, और यही और स्टेट का रिजल्ट है, करेंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, यही बस इसका रिजल्ट है। और लेकिन बेचारे को कुछ नोबेल प्राइज कुछ भी नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ नहीं किया ना, फोर्स उसने ये फॉर्मूला नहीं दिया। जैसे मान लो कि ये बोला कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो कितना है फिर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होता तो उसका फॉर्मूला तुम बोलती KQ/r², लेकिन अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो कितना है, तो बताने के लिए नहीं बता पा रहा है वो, कोई रीज़न, क्या चीज़ का रीज़न क्यों यहाँ पर है भाई। यहाँ पर चार्ज रख के दिखा रहा है कि ऐसे फोर्स लग रहा है, और कंपास रख के दिखाया कि डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये सब से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई फील्ड है, और उस फील्ड को वो क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ही क्यों बोल रहा है उसका रीज़न, क्योंकि कंपास जो होता है मैग्नेटिक फील्ड से ही क्या होता है, डिफ्लेक्ट। ये रीज़न दिया मैग्नेटिक फील्ड होने का, और ये रिजल्ट लिख दिया। तो यही है और स्टेट्स एक्सपेरिमेंट कुल मिलाकर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर तो लिख ही दिया, हो गया, बस यही दोनों उसका रिजल्ट है, ठीक है। और ये भी वही बताया था कि आइडियल वायर के अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मतलब ये पहले से ही मालूम था, ये तो बात पहले से ही मालूम होना चाहिए कि आइडियल वायर के अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लिख सकती हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, अभी बताया जाएगा फिर इसके बारे में डिटेल में। अब यहाँ से आता है मैग्नेटिक फील्ड, तो अब हुआ क्या ना कि अब तो जरूरत था ना यहाँ पर फिर भी कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना कि आखिर है कितना यहाँ पर, तो उसके लिए दो साइंटिस्ट था, एक था बायोट और दूसरा था सेवर्ट। तो बायोट और सेवर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दोनों मिल के बहुत साल तक मेहनत किया, और बहुत साल तक मेहनत करने के बाद वो लोग ये रिजल्ट निकाला कि इसके अगल बगल कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कैलकुलेट करके बता देंगे। इसीलिए तुमको पढ़ना है बायोट सेवर्ट लॉ, या फिर बायो सेवर्ट लॉ। क्यों पढ़ना है उसको, क्योंकि वो लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइनली निकाल के दिखा रहा है कि ये देखिए इतना होगा, फॉर्मूला दे रहा है उसका। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो इसको लिखो फिर हम लोग बात करते हैं आगे। मतलब एक और बात यहाँ पर समझ में आया कि करंट से ही क्या बन रहा है, एक और बात क्लियर करो, करंट से क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज से नहीं बन रहा है। अच्छा, ये कैसा करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, कॉन्स्टेंट करंट, कॉन्स्टेंट करंट है ना, तो कॉन्स्टेंट करंट। और चार्ज भी कैसा है, चार्ज का वेलोसिटी कैसा है, कॉन्स्टेंट, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। चलो ये लिख ली, जल्दी लिखो। तब हम लोगों जो पढ़ना है वो है बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट्स, इसको कैपिटल एस इसलिए लिखा रहता है क्योंकि तुमको अभी जस्ट बताएं कि बायोट और सेवर्ट दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, और ये दोनों का टाइटल है बायोट और सेवर्ट, बायोट सेवर्ट्स लॉ, दोनों का साइंटिस्ट का टाइटल लेके नाम रख दिया बायोट सेवर्ट लॉ। ये लोग बड़ा, मतलब कि इस ये लोग बहुत बड़ा काम किया था कि ये लोग अब वो जो वायर है, जो करंट कैरिंग वायर है, उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो भी निकाल के दिखाएगा, ठीक है। तो एक हम लोग ऐसे वायर लेंगे, है ना, ये एक वायर लंबा सा, ठीक है, और ये वायर में क्या फ्लो करेगा, करंट, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसका डायरेक्शन भी होगा, और उसका डायरेक्शन बताने के लिए बहुत सारा रूल है, बहुत सारा रूल, अभी आज हम लोग देखेंगे भी, हाँ, बहुत अलग 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 टाइप का रूल है। अच्छा, इसमें रूल्स बहुत सारा है इस चैप्टर में, रूल जो है हाथ वाला रूल, तुम लोग पढ़ी भी होगी 10th में, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये सब पढ़ी होगी, ठीक है। तो वो सब सब आएगा इसमें। ये देखो, ये करंट है, और फिर से एक और बात हम बता, 11th में था, हाँ 11th में था, बिल्कुल सही बोली, वेक्टर में। देखो, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, जो अब बोल रहा है कि 11th में नहीं था ये सब, तब भाई थर्ड अंगूठा छाप एकदम। देखो, जैसे यहाँ पर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ ये मत सोचना कि करंट कहाँ से आया, यहाँ पर बगल में क्या होगा, एक बैटरी होगा, है ना, एक बैटरी से यहाँ पर क्या फ्लो कर रहा है, करंट, ये ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ऐसे बैटरी का प्लस टर्मिनल से क्या निकला, करंट, जो कि ऐसे करके फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला बायोट कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम लोग पॉइंट लेते हैं पी। अच्छा, एक और चीज़ समझना, वायर के खुद के लोकेशन पर मत खोजना इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ पर करंट बह रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इसके अगल बगल होगा। जैसे याद करो कि चार्ज के से कुछ दूर आर पे जाके, मान लो चार से कुछ दूर आर पे गए, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी इस करंट कैरिंग वायर के अगल बगल होगा, है ना, अभी रीज़न उसका बताएंगे क्यों, ठीक है, बताएंगे थोड़ी देर में। चलो पहले हम लोग पढ़ते हैं, नहीं है पगली, यहाँ पर एक पॉइंट पी लिए हम लोग। अच्छा, किताब में पॉइंट पी हमेशा इधर लेता है, पॉइंट पी क्या है, पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तुम चाहो तो इसको यहाँ ले लो, जहाँ मन में आए वहाँ ले लो, जहाँ मन करे तुमको, इधर ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पर भी ले लो, लेकिन एट द लोकेशन ऑफ वायर मत लेना, ठीक है। ये किताब में ऐसे लेता है इसलिए यहाँ पर लिए। अब इससे हम गए कुछ आर दूरी पे। अच्छा, एक और बात समझना कि ये लोग बोला कि हर आदमी जो करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, सबका मैग्नेटिक फील्ड का आंसर अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बन किससे रहा है, करंट से। तो हो सकता है कि उसका वायर में ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा हो, और मेरा जो हम वायर ले उसमें कम करंट फ्लो कर रहा हो, उसका वायर का लेंथ ज़्यादा हो,
मेरा वायर का लेंथ छोटा हो, तो ये बोला कि हम एक ऐसा जनरल फॉर्मूला देंगे, एक जनरल फॉर्मूला देंगे, ये मत सोचिएगा कि कोई पर्टिकुलर वायर के लिए, जनरल है ये, इसलिए वायर का ना शेप भी ऐसे बना के छोड़ दिया जाता है, ये ऐसे छोड़ दिया जाता है, ये भी नहीं बताया जाता कि वायर का लंबाई कितना है। तो मान लेते हैं अगर ये वायर का पूरा वायर का लेंथ एल होगा, तो यहाँ पर एक छोटू सा लेंथ हम लोग लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे डीएल। ये क्या है? डीएल, छोटा सा लेंथ। अच्छा, इस डीएल को हम लोग एक नाम दिए हैं, ये भी एक वेक्टर है पता है, ये वेक्टर लेंथ है, और इसको हम लोग नाम देते हैं एलिमेंट्री लेंथ। क्या नाम देते हैं? एलिमेंट्री लेंथ। अब ये वेक्टर हुआ कैसे? तुमको याद होगा, तुम पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 1 में एरिया वेक्टर, वैसे ही जैसे एरिया को वेक्टर बनाया था वैसे ही लेंथ भी क्या हो जाएगा? वेक्टर। अब अगर ये एक वेक्टर है तो डायरेक्शन होना चाहिए इसका, जैसे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है कि किसी सरफेस से बाहर निकलता है, वैसे इसका भी तो होना चाहिए, 90 बना के निकलता है। तो इसका डायरेक्शन बताया बायोट सेवर्ट दोनों मिलके, ये हमेशा रट मत लेना, खाली यही लोग बता रहा है, बाकी आगे जाके बदल जाएगा, ये बात पता चलेगा बाद, आगे जाके आगे लॉस आएगा और उसमें मालूम चलेगा कि डीएल का डायरेक्शन कहीं और लेना है, आगे लॉ जब आएगा उससे बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये लोग क्या बोल रहा है कि जिस तरफ करंट जाए उधर ही किसी को, किसको मान लीजिए, डीएल को मान लीजिए, करंट ऐसे जा रहा है तो ये जो डीएल है इसका डायरेक्शन कैसे होगा? करंट के साथ साथ। अच्छा, डीएल का मतलब क्या है? छोटू सा लेंथ। और ये लोग छोटू सा लेंथ ही क्यों ले रहा है? क्योंकि ये लोग एक जनरल फॉर्मूला देगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो एक छोटा सा लेंथ के लिए निकाल के दे रहा है, और इसी लेंथ को तुम डीएल 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 पूरा जोड़ते जाओगे तो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। जैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था उसको एरिया से निकालते थे, डीए 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 करके इंटीग्रेशन करते थे, याद आ रहा है? हाँ, डीएस लेते थे, एरिया को तुम डीएस और डीए दोनों ले सकती हो, वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डीएल। अच्छा एक बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एरिया पढ़ते थे, यहाँ पर लेंथ का बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो चार्ज से बनता था और चार्ज पूरे एरिया में होता था, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे बन रहा है और करंट कहाँ है? लेंथ में है, इसीलिए डीएल का बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये डीएल को यहाँ पर काटें, और हमको निकालना कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पर। तो हम लोग एक काम करते हैं ना कि यहाँ पर, अच्छा इसको ना थोड़ा सा इमेजिन करना एक बात, इसको हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, देखो सोच रहे हैं ऐसा, देखो ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर बीच में ऐसे एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस होता है? वाई। और इधर कौन सा एक्सिस होता है? एक्स। तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर बीच में यहाँ पर क्या होगा? ओरिजिन। बीच में यहाँ पर क्या होगा? ओरिजिन। और ओरिजिन से ही हम यहाँ पर क्या, देखो इस छोटे से लेंथ के वजह से ही क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस छोटे से लेंथ से एक हम लोग लाइन खींचेंगे, और तुम लोगों को एक बात पता होगा कि ओरिजिन से जब भी कोई हम ऐसे खींचते हैं दिशा, तो उसको बोलते हैं पोजिशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? और उसको डिनोट करते हैं आर वेक्टर से, ये 11th में बताया गया। व्हाट इज आर वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? एक बहुत खास तरीके का, खूबसूरत तरीके का वेक्टर है, जिसको हमेशा ओरिजिन से नापा जाता है। दुनिया में जितना भी वेक्टर्स को कहीं से भी शुरुआत कर दो, जैसे मान लो एक वेक्टर हम इसे मेजर करते हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर नहीं हुआ, क्योंकि इसको हम कहीं से भी रैंडमली मेजर कर रहे हैं। ऐसा वेक्टर जो सिर्फ ओरिजिन से ही शुरू होता है, मैथ्स वाला ओरिजिन, उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये लोग ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे हैं, ऐसे एक्सिस है उसमें वायर ऐसे रखा हुआ है, तो वायर का ये ओरिजिन है, यहां से लेके चल रहे, क्लियर है कि नहीं मेरे बात? ठीक है। अच्छा, तो यहां पर क्या निकालना है हमको? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर यहां लेंथ छोटू सा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर क्या बनेगा? छोटू सा, मतलब लेंथ डीएल है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? डीबी। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बी, लेंथ डीएल है तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी। अब देखना, समझना, अब क्या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीएल से बन रहा है? डीएल से बन रहा है नहीं, करंट से बन रहा है। डीएल में जो करंट है उससे बन रहा है, सही बात है ये? हाँ। तो यहां पर सबसे पहला बात समझ में आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, डीबी क्यों लिखा, समझ में आया? डीबी लिखा रहता है क्योंकि छोटा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट इंटू डीएल के, मतलब करंट इन विथ एलिमेंट्री लेंथ, क्योंकि दोनों से मिलके बनता है ना। तुम यहां बकलोल जैसा इसको लिख दोगी, बहुत लोग ऐसे लिखवाता भी है, ये आई गायब कर दिया, तो लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड बना, पगला उगला है, करंट रहेगा तब ना। अच्छा, तुम इसको हटा दो तब, तो मतलब तुम्हारा वायर ही नहीं है, लेंथ नहीं रहने का मतलब तुम्हारा वायर ही नहीं है, हवा में करंट बह रहा है, तो दोनों होना चाहिए ना? नहीं समझ में आया मेरे बात? तो दोनों एक साथ होना चाहिए, ठीक है। ये हुआ पहला क्वेश्चन, अभी हम बायोट से बटलो समझा रहे तुमको क्या है। अच्छा, वो लोग बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस का क्या होगा? डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा इक्वेशन, अच्छा ये आर कौन सा दूरी? यही वाला, घबराने के बाद नहीं, यही वाला आर है, ठीक है, यही वाला आर को स्क्वायर लगा दिया। बोलो सर वेक्टर कहाँ गया? भाई स्क्वायर लगा रहे हैं ना तो वेक्टर हटाना पड़ेगा ना। व्हाट इज आर? वो दूरी जहां पर तुम क्या निकालना चाहते हो? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस दूरी को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होते जाएगा, क्योंकि तुमको मालूम है यार कि कोई मैग्नेट जैसे रहता है घर में, उस मैग्नेट से दूर जाओगी तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, तो कॉमन सा बात है। लेकिन ये लोग इसमें स्क्वायर लगा रहा है क्योंकि ये लोग चाहता है कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लोग जबरदस्ती नहीं कर रहा है ऐसा, सही में ऐसा फॉर्मूला निकल गया कि मैग्नेटिक फील्ड वॉज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तुमको पता है फिजिक्स में तीन टाइप का फील्ड होता है मात्र, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, और ग्रेविटेशनल फील्ड को भी ई से ही दिखाते हैं, और हाँ ई से ही दिखाते हैं,
ग्रेविटेशनल फील्ड को जी से थोड़ी दिखा, जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड को भी ई से ही दिखाते हैं और नीचे में छोटू सा लिख देते हैं जी, नीचे में छोटू सा लिख देते हैं जी और उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। क्या क्या बोली, चलो सब बकवास नहीं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तीसरा है जिसको बी से दिखाते हैं। अब ये मत पूछना सर बी दिखाने का क्या रीज़न है, एम काहे नहीं लिखते हैं, अरे भाई जो दिया है उसको मान चुपचाप, ठीक है। तो यहाँ पर डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और कुछ होता है और बहुत एक चीज़ बड़ा चीज़ छूट गया है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें वेक्टर अभी मत लगाओ, ठीक है। वेक्टर लगा के ना इसको भाई याद मत कर दो अभी, वेक्टर छोड़ दो अभी, वेक्टर वाला लास्ट में डिस्कशन करेंगे हम लोग, हालांकि लोग वेक्टर ले लेके किया था लेकिन वेक्टर मत करो, लास्ट में भी डिस्कशन करेंगे। तो ये डी बी जो है वो प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। सर ये साइन थीटा क्या है, साइन थीटा जो है ना, देखो एक बात तुम लोग इमेजिन देखिए, यहाँ पर ये जो डी एल है इसका डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है करंट के साथ, और ये आर ऐसे है, तो ये डी एल और आर के बीच में एक एंगल नहीं बन रहा है, है? और ये एंगल थीटा बन रहा है, लेकिन ये थीटा मामूली नहीं है, थीटा का डायरेक्शन है, ये थीटा का डायरेक्शन है। अच्छा मैथ्स में एक चीज़ पढ़ी हो, मैथ्स में तो पढ़ भी नहीं करती है मैथ्स, बायोलॉजी ठहरी, जैसे देखो यहाँ पर ये एक लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, बायोलॉजी के आदमी ठहरी मैथ्स क्या पढ़ेगी घंटा, देखिए यहाँ पर ये ऐसे लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, और ये लाइन का अगर हमको स्लोप निकालना है, ये लाइन कितना ऊपर है, तो एंगल कैसे नापते हैं, यहाँ से कि यहाँ से, देखो ये तो इसका तो मैथ्स ऐसे पूछते हैं, आप बताओ यहाँ से, यहाँ से है, सही बोल रही है, यहाँ से नापते हैं, ठीक बोल रही है, प्लस एक्स एक्सिस से हमेशा थीटा मेजर करते हैं, तो बकलोल आदमी यहाँ वो थीटा नहीं है, अच्छा तुम लोग पता था, अच्छा अच्छा ये थीटा यहाँ से नहीं मेजर किया, मैथ्स वाला नहीं है थीटा, ये थीटा जो है वो डीएल और किसके बीच में है, आर के बीच में, और ये जो बायोट और सेवट है दोनों मिलकर बताया कि थीटा को आप मेजर ऐसे करिए। अब ऐसे तुमको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, बोले कि सर ये मैम ये थीटा ऐसे क्यों है, बोले कि है तो तुम मान लो उसको चुपचाप, हाँ यहाँ डीएल पहले लिख रहे हैं ना इसीलिए थीटा यहाँ ऐसे मेजर कर रहे हैं यहाँ लिख देते, ठीक है, डीएल से आर की तरफ हमेशा मेजर होगा थीटा। अब काहे, उसका रीजन है एकदम जोरदार बताएंगे अभी, ये डीएल से आर रट लो अभी कि थीटा हमेशा डीएल से आर की तरफ मेजर करना है, क्यों अभी तुरंत बताया जाएगा कि ऐसे थीटा क्यों। अच्छा ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉक, क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है, ये क्लॉक वाइज है, और यहाँ मैथ्स में क्या बताता है एंटी क्लॉक, तो मैथ्स वाला थीटा नहीं है बिल्कुल भी, क्या बोल रहे बोलो बोलो, अरे भाई वो लोग बताया ऐसा कि यहाँ पर ये साइन थीटा, अब कॉस थीटा काहे नहीं, टैन थीटा काहे नहीं, कॉट थीटा काहे नहीं, उसका भी रीजन है कि यहाँ साइन थीटा ही क्यों ले रहा है वो लोग, ठीक है। हाँ तो ये हुआ इक्वेशन थ्री, अब ये तीनों इक्वेशन को मिला दें हम लोग। अच्छा ये डीएल से आर हम क्या चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ये डीएल से आर हम क्या बता रहे हैं कि थीटा का मेजरमेंट, थीटा का मेजरमेंट। अच्छा सुनो एक और चीज़, ये तीनों इक्वेशन को मिला दो तो मिलाने के बाद मिलेगा डी बी इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर मिलेगा बताओ, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर फोर हुआ ना। देखो ये आई डी एल ऊपर में, साइन थीटा भी ऊपर में और आर स्क्वायर नीचे में, ठीक है। अब सुनना, हाँ स्टार्टिंग में इसी को लिखा था, अब सुनना, अच्छा पहले तुम लोग लिख लो फिर मिटाएंगे, लिखो लिखो फिर मिटाएंगे, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ना दो लाइन देख ही लो यार आगे, ठीक है, उसके बाद लिखना, दो लाइन देखो, दो लाइन देखो, देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देख लो एक छोटा सा, पहले इसको यहाँ से तुम प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ, क्या दिख रहा है, दिख रहा है, पहले यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ, तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगी तो क्या दोगी, कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट हम लोग यहाँ पर लेते हैं के, कॉन्स्टेंट के ले लेते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे आई डी एल साइन थीटा और नीचे में क्या होगा आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ ये जो k है इसको हम लोग नाम दे दिया म्यू नॉट बाई फोर पाई, k कांस्टेंट जो है उसको रिप्लेस कर देंगे म्यू नॉट बाई फोर पाई से। अब क्यों रिप्लेस करेंगे उससे, अच्छा याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट होता था, यहाँ म्यू नॉट दे दिया, म्यू नॉट का मतलब कोई बताएगा है, म्यू नॉट क्या है यहाँ पर, म्यू नॉट या फिर यू नॉट, इस म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिया, अभी बहुत डिटेल में बताएंगे इसके बाद, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जैसे याद करो उसमें रहता था परमिटिविटी रहता था, इसमें परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, अब इसके बारे में पढ़ाएंगे म्यू नॉट के बारे, ठीक है। तो यहाँ पर अब के जगह तुम क्या चिपकाओगे म्यू नॉट बाई फोर पाई, और यही तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला होगा, लिख लो उसको, फिर फॉर्मूला के बारे में और डिस्कशन करते हैं, और ये भी बताते हैं कि थीटा ऐसे क्यों है, ठीक है, चलो लिखो उसको जल्दी से, सो मत लिखो, चलो आगे देखो, आगे देखो, यहाँ देखो फॉर्मूला जो मेरे पास मिला वो क्या मिला, डी बी इज इक्वल्स टू, पहले यहाँ देख लो म्यू नॉट बाई फोर पाई, इसके जगह क्या डाल रहे हैं के जगह, और फिर यहाँ पर आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही है ना, ठीक है। तो इसको अब हम लोग थोड़ा वेक्टर फॉर्म, पहले इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं म्यू नॉट बाई फोर के पाई के बारे, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं बायोट सेवर्ट लॉ इन स्केलर फॉर्म, है ना, बायोट सेवर्ट लॉ को ना उतना लंबा नहीं लिखेंगे, बी एस एल लिखेंगे, बायोट सेवर्ट लॉ किस फॉर्म में है ये, इन स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म इसलिए क्योंकि देखो सारा स्केलर में लिखा हुआ है। अब थोड़ा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म से तुमको अब समझाएंगे हम कि वो जो थीटा था उसको ऐसे मेजर क्यों कर रहे हैं, कैसे मेजर कर रहे थे, क्लॉक
क्लॉकवाइज, क्यों ऐसा करते हैं देखो। तो यहां पर सबसे पहले इसमें डीबी में वेक्टर लगाना होगा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर इसको लिखना पड़ेगा म्यू नॉट बाई फोर पाई, इसके बारे में भी बताएंगे अभी हम। और यहां पर इसको लिखेंगे आई डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर, यहां क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसीलिए साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट के चलते साइन थीटा, ठीक है। और यहां पर आर, आर का पावर थ्री होगा यहां पर, फिर नीचे में आर का पावर थ्री। अब कैसे थ्री हुआ देखो, यहां पर ध्यान से देखना, ये वेक्टर है ना यहां पर। अच्छा, तुमको एक बात मालूम होगा कि इसको अगर हम लोग खोलेंगे म्यू नॉट बाई फोर पाई और ये वाले खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, मान लो इसमें से अभी वेक्टर हटा दिए हम, वेक्टर हटा रहे हैं क्यों, क्योंकि अभी हम इसको खोलना चाहते हैं, इसको खोल के लिखेंगे आई डी एल आई। देखो यहाँ पर एक बात समझ लो, बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है, यहाँ पर अभी हम जो डी एल क्रॉस आर है ना उसको खोल के लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में डी एल आर साइन थीटा, ये मालूम होगा ना। ये सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, क्या गलती इसमें बताओगी, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हैं तो साइन थीटा आता है, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक है। क्या तुम लोग ये पढ़ी थी क्रॉस प्रोडक्ट में कि जैसे मान लो कोई क्वांटिटी है ए और दूसरा है बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, यूनिट वेक्टर भी होता है, याद आया। तो यानी कि यहां पर भी एक क्या होगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहां पर अभी हम यूनिट वेक्टर नहीं लगाएंगे, देखना ठीक से, यहां पर डीएल क्रॉस आर को क्या लिखेंगे, डीएल आर साइन थीटा, लेकिन यहां यूनिट वेक्टर नहीं लगाएंगे। सर क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड हम किस फॉर्म में निकाल रहे हैं, स्केलर फॉर्म में। अगर यहां वेक्टर लगाते तो यहां पर भी क्या लिखना पड़ता, एन कैप, ये बात क्लियर है। तो अभी हम एन कैप हटा दिए तो यहां से वेक्टर भी हटा देंगे, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा आई डी एल साइन थीटा और नीचे में क्या है आर का पावर थ्री। हम ये बता रहे ना कि इससे ये कैसे आया, यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आर का पावर थ्री से आर कैंसिल, तो यहां से कितना आ जाएगा म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अरे भाई ये हम तुमको ये समझाएं कि ये कैसे आया, तो ये यहीं से आया भाई, तुमको हम खोल के दिखा दिए क्यों आर का पावर थ्री लिखे थे, समझी, ताकि इसको कैंसिल होकर फिर वही आ जाए, ठीक है। तो ये इस वेक्टर फॉर्म में हुआ। अब ये वेक्टर फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी तो तुमको अभी हम समझाएंगे कि थीटा जो है वो क्लॉकवाइज क्यों है। चलो देखते हो, यहाँ पर समझते हैं, ये सब लिखिए तुम लोग, हाँ चलो यहाँ पर छोटा सा समझाते हैं, ये सब लिख लियो ना। तो यहाँ हम समझाते हैं अभी कि जो थीटा है वो वाई क्लॉकवाइज, उसके लिए हम लोग को पढ़ना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन छोटा सा तुमको समझाते हैं। जैसे क्या क्या बोल रही हो, डीबी और डीएल के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, मतलब रुक जा, एक मिनट, क्या बोल रही, बोलो बोलो। नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि वो छोटा सा लेंथ लिया ना, तो छोटा सा लेंथ से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना। अगर ये एल लेंथ लेगा तब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी बनेगा, और वो पूरा लेंथ नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो पूरा लेंथ एल ले लिया तब तो ये वो बता दिया कि एक एल लेंथ का वायर है मेरे पास, उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। इसका कहना ये था ना, देखो ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि काहे खाली डी बी निकाल रहा है, बी क्यों नहीं निकाल रहा है, क्योंकि अगर वो बी निकाल दिया तो मतलब एक पर्टिकुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड बता दिया वो, और वायर तो अलग अलग शेप का, कोई टेढ़ा होता है कोई सीधा होता है। तो ये बोला एक जनरल है, ये जनरल केस जिसमें एक वायर है जिसमें करंट दौड़ रहा है, उस वायर का किसी एक छोटा सा लेंथ का निकाल के हम बताएंगे। और अगर इसी डी बी को तुम इंटीग्रेट कर दोगी तो क्या आ जाएगा, बी बी आ जाएगा। अब देखो हम तुमको थोड़ा बता भी देते, ज्यादा कंफ्यूजन ना करो, यहां पर हम बता भी देते। देखो साफ साफ पहले हम तुमको अभी किसके बारे में बताने वाले थे, एंगल के बारे ना, छोटा सा देखो एक चीज बता देते हैं। तुम्हारा जो बायोट सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला है वो क्या होगा, म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इसको बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट। क्यों इंटीग्रेट करोगे बताए ना, क्योंकि वायर का लेंथ डीएल है, डीएल 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 ढेर सारा लेंथ को जोड़ोगी, और उसके लिए लिमिट लेना पड़ेगा कि वायर कितना लंबा है। देखो लेंथ का यहां लिमिट लोगे ना, कि मान लो जीरो से एल तक है वायर का लेंथ, समझ रही है मेरे बात अभी हम नहीं, हाँ। और मैग्नेटिक फील्ड का भी वैसे ही लेंथ लिमिट होगा जीरो से लेके बी तक। तो अभी इसको छोड़ दो, अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। डीबी का इंटीग्रेशन कितना होगा, बी, और अपर लिमिट यहां बी डालोगी, बी माइनस जीरो बी आएगा लिमिट, हाँ। तो यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय, दिस इज ऑल्सो वॉट बायोट सेवर्ट लॉ, दिस इज, ये तुमको कि ये अच्छा किताब में मिलेगा ऐसे लिखा हुआ। इसका मतलब वही है कि तुम यहां पर जितना लेंथ अभी भी है नहीं, एनसीईआरटी में मिलेगा, एनसीईआरटी अच्छा किताब है, इसका मतलब ये नहीं है एनसीईआरटी में भी मिलेगा, मतलब एनसीईआरटी में ये नहीं, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, ये लिखा है और ये मिलेगा ये वाला। अच्छा सुनो एक और बात मेरा, सुनो क्या ये जनरल फॉर्मूला है बायोट सेवर्ट लॉ का, हाँ ये भी जनरल है, क्योंकि यहां भी क्या लिखा है, जैसे ही तुम यहां पर लिमिट मेंशन की तो मतलब कि तुम आपके पर्टिकुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही हो, कि उसका लेंथ इतना है उसका, समझ में आया मैं बात की नहीं समझ में। तो ये मैग्नेटिक, ये भी बायोट सेवर्ट लॉ हुआ, एंड दिस इज ऑल्सो बायोट सेवर्ट लॉ, एंड दिस इज ऑल्सो बायोट सेवर्ट लॉ,
ठीक है, अरे एक ही फॉर्मूला को 50 तरीके से लिख रहे हैं। अब इसको कन्फ्यूजन सर यहाँ पर बी क्यों, अब हम हल्के हालांकि वो हम बता नहीं वाले थे कि यहाँ पर बी क्यों नहीं लिखा वो, है ना। मेरा ही मेरा भी दिमाग में जब हम बहुत पहले पढ़े थे इसको तो हम वही सोचते थे कि भाई यहाँ पर डी बी है तो बी क्यों, मास्टर से पूछे भी थे सर यहाँ पर डी बी लिखा है तो बी क्यों नहीं निकाल के दिखा रहा है वो। उसके बाद तो जानती हो मास्टर खतरनाक ही था, फिर तो खतरनाक कर दिया। उसके बाद बोला तो क्वेश्चन उश्चन नहीं बनाएगा, फालतू सवाल पूछेगा। चलो ये समझ में आया कि नहीं। चलो अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे, एंगल के बारे, साइन थीटा के बारे। ठीक है, तो साइन थीटा के बारे बता रहे हैं तुमको कि यहाँ पर साइन थीटा के बारे क्या बता रहे हैं कि हम बोले थे एंगल ऐसे मेजर होगा, क्यों मेजर होगा, देखो एंगल के बारे बात कर रहे हैं भाई हम लोग, एंगल जिसके बारे थीटा है। और थीटा थीटा के बारे देखो यहाँ क्या लिखे हैं, डीएल क्रॉस आर, जैसे मान लो ये वायर था इसे करके बनाए थे हम लोग, और उसमें ऐसे करके क्या लिए थे, पोजिशन वेक्टर, है ना, और इस तरफ को किसको लिए थे, डीएल को। और यहाँ पर एंगल जो मेजर कर रहे थे हम लोग, जो एंगल मेजर कर रहे थे वो कैसे मेजर, यहाँ देखो डीएल से आर, ऐसे मेजर करते हैं डीएल से आर। अब तुम ठीक से देखो, ठीक से देखो, अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड का चारों उंगली को रखो डीएल के डायरेक्शन में, कहाँ रखो चारों उंगली को, डीएल के डायरेक्शन में, ऐसे राइट हैंड, लेकिन ना लेफ्ट हैंड नहीं, अरे राइट हैंड, राइट हैंड है वो, हाँ ठीक, ऐसे रखो यहाँ पर, और डीएल से कहाँ घुमाओ, आर के, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन हुआ मैग्नेटिक फील्ड का कि अंदर की तरफ, हाँ बोर्ड की तरफ अंदर। ठीक है, डीएल से रखो और कहाँ घुमाओ, डीएल से आर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, यहाँ का बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट्स, ये मालूम चल रहा है। अब कोई बकलोल रहेगा वो आर से डीएल लेगा तो ले सकता है, उसे कोई फिजिक्स नहीं कर पड़ेगा, वो बोलेगा कि हम एंगल ए यहाँ देखना रे, वो बोलेगा कि एंगल हम ऐसे लेंगे, वो क्या बोलेगा, एंगल हम कहाँ से कहाँ लेंगे, आर से डीएल, आर से डीएल लेगा तो यहाँ वो क्या लिखेगा, आर क्रॉस डीएल, और वो कैसे घुमाएगा, आर से डीएल उसका कहाँ आ जाएगा, समझी क्या गड़बड़ी होगा। तो इसीलिए इसको कहाँ से कहाँ लेना, डीएल से आर, क्या, हाँ अच्छा ये बोल रही सर ऐसे रख के ऐसे घुमा देंगे हम पगली, नहीं तो ऐसे रखेगी ये डीएल से आर घुमाओगी, और ये बड़ा वाला एंगल, इससे मालूम चलता है तुमको वेक्टर कितना आता है, वेक्टर में बताया जाता है कि शॉर्टेस्ट एंगल लेना है, इसीलिए डीएल से आर ऐसे घुमा रहे हैं, बोलोगे सर हम ऐसे घुमाएंगे ऐसे करके, हाँ कुछ और बोल रही थी, अच्छा खैर बेइज्जती हो गया ना भारी, चलो ठीक है बस और क्या चाहिए। चलो यहाँ पर देखना आप ध्यान से, ये तुम देखो यहाँ पर डीएल क्रॉस आर ही क्यों है, अगर आर क्रॉस डीएल लिखोगे तो क्या दिक्कत होगा, फिर ये एंगल को भी ऐसे लेना पड़ेगा, और ऐसे लोगी तो तुम्हारा जो आंसर है वो बुक से मैच नहीं करेगा, फिजिक्स उससे कुछ नहीं कर पाएगा, आंसर जो है तुम्हारा बुक से मैच नहीं करेगा, सारा आंसर तुम्हारा उल्टा आएगा, इसलिए ये बात याद रखो कि हमेशा एंगल को ऐसे लेना है, ऐसे कैसे, क्लॉकवाइज, मतलब डीएल से आर की तरफ मेजरमेंट करना है, सवाल में भी न्यूमेरिकल में भी हर जगह। ठीक है समझ आया ये, हाँ। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे, अच्छा डायरेक्शन नहीं, पहले म्यू नॉट के बारे बात करते हैं, ये म्यू नॉट पाई 4 पाई कहाँ से आया, इसका वैल्यू कितना होता है, जैसे याद करो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता था वैसे इसका भी वैल्यू होगा, ये आया क्यों, उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये लिखी होगी मिटा दें, लिखो लिखो जल्दी से, साफ़ी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही, देखो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आया। ठीक है अभी हम लोग बात करेंगे म्यू नॉट के बारे में, तो अभी लिखना है रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, नहीं गलत, रिलेटिव परमिएबिलिटी, नाम तो सुनी होगी, जैसे था रिलेटिव परमिटिविटी वैसे ही रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू आर से, म्यू आर, और इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर म्यू आर म्यू आर, याद करो एप्सिलॉन आर पढ़ाए थे, पता नहीं कितना याद है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब आई थी तब, हाँ तो ये था म्यू आर, तो इसको तुम लिखोगी म्यू नॉट, सॉरी इसको तुम ऐसे लिख सकती हो, रिलेटिव परमिटिविटी का एक फॉर्मूला होता है म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू एम बाई म्यू नॉट। अब यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ, भैया लिखा हुआ है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट, और म्यू एम क्या है, किसी भी मीडियम का, है ना, एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए, अरे रुक जा रे, और यहाँ नीचे में म्यू नॉट, हाँ फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिश्ता है मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है तो हम लोग जाएंगे बाबू शादी करवाने दोनों का, तो ये म्यू नॉट, और ये म्यू नॉट का मतलब समझी, म्यू नॉट का मतलब समझी, म्यू नॉट का मतलब पता है ना, अभी लिखे थे हम यहाँ पर परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी स्पेलिंग के लिए माफ़ कर देना हमको, पी आर एम, यहाँ परमिएबिलिटी किसका है, परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस मतलब एयर का, या वैक्यूम बोल दें, यू यू एम, वैक्यूम का स्पेलिंग यही होता है ना, हाँ वैक्यूम, ठीक, और ये म्यू आर का मतलब बता दिया, सी यू 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 एम, वैक्यूम का यही होता है ना, हाँ डबल यू होता है, ठीक है हम भी 4 साल इसको वैसे ही पढ़ाए हैं डबल सी लिख करके चल देखिए यहाँ पर कम बैक है क्या, चल देखो हमको तो जो जो सिनेमा में बताई थी, देखो अब यहाँ ध्यान से देखो देखो देखो
यहाँ से म्यू आर जब तुम निकालेगा, म्यू आर जब निकालोगे यहाँ से तो क्या आएगा? ऐसे आएगा देखो, है भाई ये ऐसे आएगा देखो, तो म्यू एम निकालेगी तो ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो म्यू नॉट लिखा है, ये म्यू नॉट कैसे आया? क्वेश्चन मेरा ये है, म्यू नॉट कैसे आया यहाँ पर? म्यू नॉट कैसे आया? और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ के लिए है? ये सॉइल के लिए है, एयर के लिए है, ये ग्लास के लिए है कि वैक्यूम के लिए है, क्या चीज़ के लिए है? हैं हैं, वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए, ठीक है। तो वैक्यूम या एयर में, वैक्यूम या एयर में यहाँ पर ये तुम म्यू एम को क्या लोगी? एयर लोगी भाई, मीडियम कौन सा ली? एयर। तो एयर में म्यू आर का वैल्यू कितना होगा? वन। याद करो तुम लोग को हम बताए थे कि एप्सिलॉन आर वन होता है एयर के लिए, वैसे ही म्यू आर कितना होता है? वन। किसके लिए? लेकिन एयर या वैक्यूम। तो यहाँ पर तुम इसको मीडियम, यहाँ एयर ली, और इसका वैल्यू कितना डाल रही हो? वन। तो ये किसके बराबर मिलेगा? म्यू नॉट के। इसीलिए यहाँ पर म्यू नॉट आया, नहीं तो यहाँ पर म्यू आर इंटू क्या होता? म्यू नॉट। मतलब यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, देखो यहाँ पर म्यू एम की जगह क्या होना चाहिए था? म्यू आर इंटू म्यू नॉट होता है यहाँ पर। म्यू आर गायब क्यों हुआ यहाँ पर? क्योंकि उसका वैल्यू कितना? क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड किसका निकाल रहे हैं? एयर का। हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, वो जो बायोट सेवर्ट था वो लोग बताया इसके लिए था। अच्छा, ये लोग सारा डिस्कशन ना वैक्यूम बोलता है, एयर भी नहीं बोलना चाहिए, वैक्यूम किताब में लिख रहा था, क्योंकि वैक्यूम का मतलब पृथ्वी से बाहर, और वैक्यूम में और कोई इधर उधर पार्टिकल नहीं होता डिस्टर्बेंस के लिए। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? ठीक है, हाँ वहाँ जाके सारा एक्सपेरिमेंट किया जाता है तब रिजल्ट निकाला जाता है। नहीं, ऐसा हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं कि वहाँ जाके सारा एक्सपेरिमेंट करके तब रिजल्ट निकाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, समझो क्या होगा, तुम्हारा अगर कैलकुलेशन तुम यहाँ करोगी ना, यहाँ एक्चुअली जो रूम होता है ना, रूम को वैक्यूम बना लिया जाता है, एक ऐसा रूम तैयार किया जाता है जो कि वैक्यूम बन जाए, जो रूम मतलब जहाँ पर पार्टिकल्स नहीं रहे। बोलोगे सर उससे क्या होगा अगर एयर में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो? अगर एयर में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा? क्योंकि एयर में तो और भी पार्टिकल्स होता है ना, चार्ज पार्टिकल्स, जो कि करंट का वैल्यू को चेंज कर देगा, तो आंसर गलत आ जाएगा। ये जो डीबी का फॉर्मूला ही बदल जाएगा। समझ रही हो कि नहीं समझ? नहीं समझ मैं, नहीं आया समझ? देखो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो करंट है, ये करंट है, इसका वैल्यू बदलेगा अगर और चार्ज बाहर इधर उधर कहा गया तो। इसलिए तुम ऐसा रूम सेलेक्ट कर लो जो कि वैक्यूम वाला रूम हो, वैक्यूम बना सकते हैं रूम को हम लोग, तब ये करंट का वैल्यू वही होगा जो वायर के वैसे होगा, अगल बगल का कोई और के वैसे करंट नहीं होगा। समझ में आया मेरी बात कि नहीं? अभी आया समझ में? रिया जी पक्का? चलो ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा, हम लोग जो बात किए इसके लिए, ये समझ में आया ये म्यू आर और ये सब का मतलब। अब हम लोग बात करते हैं म्यू नॉट का वैल्यू का। तो म्यू नॉट का ना एक वैल्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 10^-7 - 7 × 4π। ये उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट का, 10^-7 × 4π। हाँ, इसका वैल्यू होता है 10^-7 × 4π, ठीक है। यहाँ पर डाल के देख सकते हो 10^-7 × 4π, है ना। अगर तुमसे कोई पूछा म्यू नॉट बाई 4π का वैल्यू, किसका वैल्यू पूछा, तो उसको क्या बोलोगे? 10^-7। अब इसका यूनिट भी होता है, ऐसा यूनिट भी होता है, ये जो म्यू नॉट बाई 4π है ना, इसका एक ऐसा यूनिट भी है, ऐसा यूनिट के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको लिख लो जल्दी से, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? ये पहले ही चैप्टर वाला है, पहले जो पढ़े थे हम लोग, ठीक है लिख लो। तो मतलब अगर तुमसे हम पूछें कि जनरल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, एकदम जनरल फॉर्मूला, एकदम एकदम जेन्युइन, एकदम। तो जेन्युइन फॉर्मूला तुम देखो ऐसे लिखोगे, यहाँ लिखते हैं, ऐसे लिखोगी सर, डीबी बराबर μr into μm μr into μ0 by 4π, उसके बाद idl sin थीटा by नीचे में क्या होगा r square, ठीक है r square। अब इसका यूनिट भी होता है, इसका तुम यूनिट निकाल सकती हो उसका, ये वाले का, ये μ0 by 4π का, या फिर μ0 का यूनिट, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होगा, ये तो मालूम है ना, उसका कोई छोटा यूनिट नहीं होता, सीजीएस यूनिट नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड का, उसका टेस्ला ही होता है, क्योंकि टेस्ला जो साइंटिस्ट था, निकोलस टेस्ला, वही डिस्कवर किया था क्या, हाँ कैपिटल टी, मैग्नेटिक फील्ड का लिख देते हैं। अरे अरे भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, टेल्सा, टेल्सा, और उसको कैपिटल टी से लिखते हैं क्योंकि टेस्ला साइंटिस्ट का टाइटल है, ठीक है। टेस्ला लिखे हैं, रे पढ़ ठीक से, अंगूठा छाप, बायोलॉजी पढ़ के इंग्लिश भी गड़बड़ा गया क्या? चलो इसको लिखो जल्दी, बजट देंगे मिला। देखो यहाँ पर हम लोग को अभी जो बायोट सेवर्ट लॉ है उसको थोड़ा अलग तरीके से लिखना है, ठीक है। बायोट सेवर्ट्स, बायोट सेवर्ट्स लॉ को अलग तरीके से, बायोट सेवर्ट लॉ को ही अलग तरीके से, ठीक है। और इसको भी हम लोग लिखेंगे, देखो ऐसे यहाँ पर समझाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर, तुम लोग जे के बारे जानती हो? जे, जे का मतलब होता है करंट डेंसिटी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है करंट बाय एरिया। अगर ये वाला जिसको नहीं आता है वो पीछे वाला वीडियो देखे जाके, ठीक है। जे बराबर, हाँ उठ के चला जाए, ये भी ठीक है, जे बराबर आई बाई ए होता है ना, और ये जे वेक्टर होता है।
तो इसको तुम वेक्टर फॉर्म में लिख सकती हो। कैसे लिखोगे वेक्टर फॉर्म में? जे वेक्टर इज इक्वल टू आई बाई ए वेक्टर लिखोगे ना इसे करके। ठीक है, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि ये जो फॉर्मूला लिखे हैं ना बायोट सेवर्ट लॉ का, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस ये किस फॉर्म में हुआ? वेक्टर फॉर्म में, अपॉन आर क्यूब लिखते हैं ऐसे वेक्टर फॉर्म में। इसी को हम लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ जे, मतलब हम करंट यहां से हटाना चाहते हैं। ठीक है, और देखो कैसे लिखेंगे उसको, तो यहां पर बताते हैं। ठीक है, अब अलग फॉर्म में ये तुम पढ़ी हो पहले से, अब देखो इसको यूज कर रहे हैं। इस वाले जे को क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना ठीक से, आई और ये डीएल से ऊपर मल्टीप्लाई, डीएल से नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये ए तो छूट गया तो यहाँ ए भी रहेगा। अच्छा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, ये बात मालूम होगा। एरिया इंटू लेंथ का मतलब होता है वॉल्यूम, तो एरिया इंटू लेंथ जहाँ पर है उसकी जगह वॉल्यूम लिख देंगे। क्या बोल रही है? यहाँ पर डीवी लिखोगी क्योंकि छोटा लेंथ है ना, तो एलिमेंट्री लेंथ का एलिमेंट्री वॉल्यूम, लेकिन एरिया थोड़ी एलिमेंट्री हो जाएगा, दोनों एलिमेंट्री नहीं होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ एलिमेंट्री होगा। ठीक है, तो यहाँ डीवी लिखे मतलब एरिया इंटू लेंथ का मतलब वॉल्यूम, और आई डी एल को ऐसे ही रहने दिए, आई डी एल को ऐसे ही रहने दिए। अब यहाँ से आई डी एल निकालोगी अगर, तो आई डी एल को निकालोगी तो डी वी को इधर भेजोगी, तो वो किसके बराबर मिलेगा? जे डी वी मिलेगा। तो तुमको एक रिलेशन मिल गया, आई डी एल को तुम जे डी वी लिख सकती हो। ठीक है, तो तुम स्केलर फॉर्म में क्या पढ़ी हो बायोट सेवर्ट लॉ? बायोट सेवर्ट लॉ स्केलर, इसको स्केलर फॉर्म में क्या पढ़ी हो? जी बी इज इक्वल्स टू किसी की भी डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल, आइडियल, आइडियल क्या? आइडियल साइन थीटा बाई नीचे में क्या होता है? बहुत बढ़िया, तो इसको तुम ऐसे लिख सकती हो, देखो म्यू नॉट बाई फोर पाई, और ये आइडियल की जगह क्या लिखोगी? जे डी वी। आइडियल की जगह लिखोगी जे डी वी, और ये वॉल्यूम वेक्टर होता है कि नहीं बताओ? हाँ, बकलोले आदमी होगी वॉल्यूम को वेक्टर बोलोगी तो। वॉल्यूम स्केलर होता है, वो वेक्टर कैसे हो जाएगा? वॉल्यूम का डायरेक्शन बताओगी। एरिया वेक्टर हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम कभी वेक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? है क्यों नहीं होगा? क्योंकि वॉल्यूम का मतलब होता है एक सब्सटेंस के अंदर कितना सामान भरा हुआ है, वो वेक्टर कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर जे डी बी और नीचे में क्या होगा बताओ? जे डी बी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ साइन थीटा बचेगा ना, और नीचे में क्या होगा? आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, अब इसको हम कैसे लिख रहे हैं तुम लोग देखेगा। इधर म्यू नॉट बाई फोर पाई, और ये आर का, आर को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ये देखो इसको ऐसे जे आर डी वी साइन थीटा, जो मन में आया सो कर रहे हैं, अपॉन नीचे में क्या होगा? आर का पावर थ्री। फिर ये कट जाएगा तो वही आएगा ना, कटेगा तो आर का पावर थ्री से कटेगा, तो फिर वही रिया और राहुल अलग अलग। तो खैर यहाँ से आगे देखो, यहाँ से म्यू नॉट बाई फोर पाई, म्यू नॉट बाई फोर पाई जे 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 क्रॉस आर, जे क्रॉस आर बाई आर का पावर थ्री, और यहाँ डी वी। भाई फिर ये जे और आर क्रॉस होगा तो साइन थीटा दे देगा वापस। बोलो कि सर ये आर क्यों मल्टीप्लाई किए थे? मालूम चला क्यों किए थे? क्योंकि क्योंकि वॉल्यूम तो स्केलर होता है, और अगर हम इसको क्रॉस फॉर्म में लिखना है तो यहां पर एक वेक्टर चाहिए होगा, तो इसलिए यहां पर हम आर लेके आए, और आर तो पोजिशन वेक्टर है, तो इसलिए जे क्रॉस आर लिख सकते हैं, और जे क्रॉस आर को खोलेंगे तो वापस मिल जाएगा आर, ये जे आर साइन थीटा, जे आर साइन थीटा। ठीक है, झारखंड साइन थीटा। तो ये जे क्रॉस आर, और यहाँ पर ये डी वी वॉल्यूम स्केलर था, बाहर निकाल दिया आर का पावर थ्री। देखिए एक गजब चीज़ यहाँ पर हुआ है सर, क्या देखो यहाँ पर ठीक से, ये सर इधर ना पूरा, इधर हम पूरा पूरा फाइनल लिख देते हैं, डी वी यहाँ पर फाइनल लिखते हैं। चलो ठीक है, इधर देखो यहाँ पर डी वी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई, म्यू नॉट बाई फोर पाई, यहाँ पर डी वी है तो जे क्रॉस आर, और यहाँ पर क्या है बाहर में डी वी अपॉन आर का पावर थ्री। यहाँ पर बाहर कौन हुआ? वॉल्यूम। और जब तुम ऐसे लिख रही हो सिंपल वाला फॉर्मूला जो सिर्फ करंट के टर्म में, वहां पर कौन बाहर होता है? इसमें करंट बेचारा बाहर हो जाता है। क्यों बाहर होता है? क्यों बाहर होता है बोलो? क्योंकि करंट कैसा है? स्केलर, स्केलर। अगर तुम करंट को यहां अंदर डालना चाहती हो वेक्टर फॉर्म में तो जे को ले आओ, और कैसे लेके आओ जे? ये रहा सबूत। ठीक है, तो यहां शुरू, तुमको यहां से स्टार्ट करना है, यहां से तुमको स्टार्ट करना है लिखना, है ना, यहाँ से स्टार्ट करना लिखना, और यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे जाना। ठीक है, तो समझाने के लिए लिखा होता है, ये मत लिखना, ये सब नहीं लिखना, ये सब समझाने के लिए था सिर्फ। ठीक है, और ये आया रिलेशन, है ना, इस रिलेशन को हम लोग कहाँ यूज़ किए, इसको मान लो वन, ये रिलेशन जो लेके आए यहाँ से लेके आए, जे से लेके आए, ये कहाँ से जे आया? सी ई से, सी ई नहीं समझती हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और फिर ये फॉर्मूला हम लोग लिखे जो पढ़े हैं हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ का, उसी फॉर्मूला को ऐसे लिखें, फिर यहाँ पर ऐसे लिखें, फिर ऐसे लिखें, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। फिर ये लेके आए जबरदस्ती, फिर जबरदस्ती के बाद यहाँ लिख दिए इसको, इससे कंपेयर मार दिए। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा बायोट सेवर्ट लॉ बोलते हैं इसको? इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी,
इंट वेक्टर तो दोनों है रे यार, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, लेकिन यहाँ करंट डेंसिटी के टर्म में और ये सिर्फ करंट के टर्म में, ठीक है, करंट इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। तो कहीं पर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जिसमें करंट डेंसिटी लिखा रहे या बायोट सेवर्ट लॉ कुछ और तरीके से लिखा रहे तो घबराना मत, बायोट सेवर्ट लॉ ही है। बोलो कि सर ये तो आप पढ़ा ही नहीं थे। नहीं नहीं पढ़ा दिया, सब लिख ले इसको दिल से, ठीक है, तुम्हारा उड़ा सकते। चलो देखो यहाँ पर हम लोग आते हैं कम बैक। तो अभी हम तुम लोग को बायोट सेवर्ट लॉ समझा दिए, ठीक है, और बायोट सेवर्ट लॉ समझने के बाद थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर मैक्सिमम होता है कहाँ मिनिमम होता है वो सब जानना है, ठीक है। और उससे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पर मिनिमम, फिर उसके बारे में बात करेंगे। देखो वो जो अभी पीछे तुमको बताया ना वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अभी फॉर्मूला लिखवाया था ना एक बायोट सेवर्ट लॉ का एक और जे क्रॉस आर, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, एकदम रटा होना चाहिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट याद होना चाहिए एकदम, ठीक है, रटा होना चाहिए। तो साइन थीटा बाय आर स्क्वायर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसको निकालते कैसे हो तो मालूम चल गया उस फॉर्मूला से, निकाल लेंगे, निकाल के देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है, कहाँ पर मैक्सिमम कब मिनिमम फॉर न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन पहले डायरेक्शन तो जान ले किधर कहाँ पर कैसे। तो ये देखो वही वाला वायर मेरा पुराना, ये रहा वायर और ये वायर में आई करंट, ठीक है, मान लो हम लोग पॉइंट पी यहाँ पर ले लेते हैं। अच्छा एक और चीज़ समझो, फिजिक्स में खाली मैग्नेटिक फील्ड की नहीं बोल रहे हैं, फिजिक्स में किसी भी चीज़ को अगर बाहर की तरफ दिखाना है तो क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस, नहीं ये इसके लिए इन्वर्ट होगा, क्रॉस का मतलब कोई चीज़ कहाँ जा रहा है, प्लेन के अंदर, डॉट का मतलब कोई चीज़ प्लेन के कहाँ जा रहा है, बाहर, ठीक है, तो ये डॉट का मतलब आउटवर्ड का मतलब बाहर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए सबसे मस्त रूल है राइट हैंड थम रूल, राइट हैंड थम रूल, राइट हैंड थम रूल। थम किसको बोलते हैं, ये अंगूठा को थम बोलते हैं ना, और जिसका राइट हैंड नहीं रहेगा उसका क्या होगा, जिसका राइट हैंड रहेगा फिर क्या, ये वाला रूल हमको कौन सिखाया था मालूम है ना, बस हमको नहीं आता था ये वाला, फिर बहुत डिटेल में वो हमको बताई मैम। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पी पे हम निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्या निकालना चाहते हैं, अच्छा ये तो यकीन है ना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और स्टेड इतना सारा इसका एक्सपेरिमेंट दिया। देखो तो यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है, देखो ये रूल क्या बोलता है कि अपना अंगूठा लीजिए और ये तुम्हारा चार हाथ, चार मतलब सॉरी चार उंगली, हाथ कहाँ से आ गया सर, चार उंगली, ठीक है, और यहाँ पर इसको ऐसे रखना, जादू आएगा, आओ 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 आओ, लेकिन जादू नहीं आएगा अभी, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक और इसका उसका उसका एक और उंगली होता है ना, नहीं एक और उंगली होता है ना उसका ऋतिक रोशन का, तब ना जादू आता है ऐसे करने से, आओ 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 आओ, ऐसे ही ना होता है, हाँ वैसे ही तो आ जाता है यार, फिर जादू आ जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ये तुम्हारा है फोर फिंगर, और ये फोर फिंगर को कर्ल करना, बहुत लोग ऐसे रखता है इसे हाथ, घुमाए भी नहीं करेगा उसको, ऐसे रखेगा, सर आंसर नहीं आ रहा है, अरे इसको घुमाना है, कर्ल करना है, तब आंसर आएगा। कर्ल मतलब क्या होता है, कर्ल मतलब ऐसे कर देगा, कर्ल मतलब ये होता है इसको सिर्फ घुमाना है, इसको थोड़ी ऐसे कर लेना है, ये खाली चारों उंगली को घुमाना है, ठीक है, तो कर्ल करना है। और अंगूठा को हमेशा ऐसे रखना है, बहुत लोग ऐसे करता है, सर ये देखिए ऐसे नहीं बाबू, सीधा रखना है इसको, स्ट्रेट सीधा, ऐसे क्यों कर देगा, बोलेगा सर ये देखिए ऐसे नहीं, ऐसे रखना, ये 90 डिग्री बनना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये कर्ल करना। और ये अंगूठा कहाँ है, ये अंगूठा जो है देखो इसको कर्ल कहाँ करोगे, पहले कर्ल जहां तुमको मैग्नेटिक फील्ड, जहां मन वहां कर्ल कर लो, जहां तुमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जहां तुमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जहां तुमको मन करे वहां कर्ल कर लो। जैसे अभी हमको इसके अबाउट चाहिए तो इसके अबाउट हम क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे इसके अबाउट, मतलब हाथ ऐसे रखेंगे। अच्छा एक और चीज, अंगूठा हमेशा रखना किसके डायरेक्शन में, करेंट के डायरेक्शन में ऐसे रखना, करेंट जिधर जा रहा उधर, ठीक है, चलो देखते करके। तो पहले अंगूठा लेके आओ, यहाँ इसे रखो करंट डायरेक्शन में, और फोर फिंगर वहाँ कर्ल करो जहाँ तुमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए। तो पहले ऐसे अंगूठा रखें, ये चार हाथ तुम्हारे ऐसे, चार उंगली सॉरी, और इसको ऐसे कर्ल की, तो ये ऐसे अंदर जा रहा है, देखो ऐसे सीधा नहीं, टेढ़ा कहाँ हो रहा है, ये ऐसे है भाई, ये वायर टेढ़ा है तो इसलिए ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे नहीं होना चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे रहना चाहिए स्ट्रेट। तो देखो इसको इसको कर्ल कर ले तो ये कहाँ जा रहा है, हाथ अंदर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड इनवर्ड्स। लेकिन अगर पॉइंट भी यहाँ पर ले लें तब यहाँ इसे रखोगी, इसको घुमाओगी 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 घुमाओगी, कहाँ जाएगा ये, बाहर आ रहा है चारों उंगली, तो यानी कि हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड। समझ आया कैसे, देखते हैं। कोई कोई बोलता है सर आप जबरदस्ती कर रहे हैं कोई बोलता है सर आप जबरदस्ती दिखा रहे हैं। देखो ठीक से, यहाँ पर जब निकालना तो ऐसे रखी, इसको ऐसे घुमाई घुमाई घुमाई, कहाँ जा रहा है चारों उंगली, अंदर ही जा रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पहुँचना है तो इसको घुमा, यहाँ तक घुमाओगी पहुँच जाओगी वहाँ पर, नहीं इसको पूरा घुमाना होगा ये, तब ये बाहर आएगा, तब यहाँ तक पहुँचोगी, तो यानी कि यहाँ पर आउटवर्ड। क्लियर है कि नहीं, बताओ क्लियर है कि नहीं, मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मतलब इस पॉइंट पे ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे ऐसे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया।
तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक है। तो इसको बना लो जल्दी से और ये बनाओ डायग्राम जरूर से, ठीक है। फिर अभी हम लोग खत्म नहीं हुआ, अभी और अलग 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 शेप का वायर लेंगे, उसका देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कैसे। लिखो पहले, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, तुरंत लिखो, तुरंत 2 मिनट में। देखो यहाँ पर पहला 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 देखो, पहला ये पहला वाला देखो, दिखेगा तुमको वायर, और इस ये वायर कैसा है, स्ट्रेट वायर है ना, और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और तुमको इस वायर के अगल बगल निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। तो अगर इसके अगल बगल हम लोग बात करें, यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसे जा रहा है, देखो अंगूठा ऐसे रखी, चार उंगली घुमाई तो अंदर गया, तो इस पॉइंट पे क्या है, अंदर। लेकिन अगर यहाँ देखोगी तो यहाँ आउटवर्ड, कैसे ऐसे रखी ऐसे को, मतलब कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बन रहा है। ध्यान से देखो यहाँ पर, देखो देखो ऐसा बन रहा है कुछ, देखो तो ठीक से ऐसा बनेगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, मान लो कि ये एक प्लेन ऑफ पेपर है, प्लेन ऑफ पेपर मतलब ये पीछे भी है उस तरफ भी, उधर मान लो कोई अंकल होंगे तो उधर, तो ऐसे करके देखो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बनेगा देखो, यहाँ पर अंदर और फिर बाहर। इमेजिन नहीं हुआ? अरे भाई साहब, इसको कहाँ से उठा के लाई है इसको, देखना ना यहाँ पर देखो, जैसे ये प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है, इसमें देखो ऐसे रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ऐसे गोल सा, ऐसे बता रहे हैं, मतलब ये वायर तुम्हारा बीच से, ये वायर नहीं इसको बोल रहे हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल रहे हैं, वायर ऐसे जाएगा इसमें से, कैसे देखो ऐसे वायर, ये वायर ऐसे गया सीधा, वायर ऐसे गया है, और इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है गोल सा। तो वही चीज़ तुमको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि देखो ये वायर ऐसे निकला है सीधा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है उसमें, ठीक है, समझ आया ये। अब ऐसा कैसे बन रहा है, देखो ये ऐसे उधर जा रहा है, ये उधर उधर जाने का मतलब इसे ऊपर जा रहा है, हत अंदर जा रहा है, और इधर ऐसे बाहर आ रहा है, तो मतलब ऐसे गोल गोल नहीं होगा फील्ड लाइन, और एक नहीं होगा, बहुत सारा होगा यहाँ पर फील्ड लाइन है, समझ में आया कि नहीं आया। और ये फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट इज अदर। अच्छा, बायोट सेवर्ट लॉ ना एक जगह फेल हो रहा था, फेल नहीं हो रहा था मतलब बता नहीं पा रहा था उसके बारे, क्या बोला कि अगर करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो मैग्नेट तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट से बनता है, और मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तो ये वायर में कहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये नहीं बता पा रहा था वो, इसलिए नया एक लॉ आएगा एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। अब ये ऐसा मत बोलना ये गलत है, ये लॉ बहुत सही है, लेकिन हैवी हैवी न्यूमेरिकल्स एम्पियर से ज़्यादा आसानी से बन जा रहा था, इसलिए उसको लेके आते हैं हम लोग। खैर उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं, है ना। अब चलो सेकंड वाला देखना, ये वाला सेकंड वाला जल्दी से। सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में करंट कैसे है, नीचे करंट नीचे है, तो अगर यहाँ पर देखोगी, यहाँ पर देखोगी, देखो करंट ऐसे चार उंगली कैसे कर्ल करोगी इसके तरफ, तो कैसे हो जाएगा, देखो तो ऐसे रखोगी तो बाहर आ रहा है चार उंगली, लेकिन यहाँ पर चेक करोगी तो, यहाँ पर करने के लिए है ना, ऐसे देख लो, यहाँ पर देखोगी तो इनवर्ट, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए ऐसे घुमाते 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 आउटवर्ड, इसके लिए यहाँ पर पहुँचने के लिए ऐसे घुमाते घुमाते आउटवर्ड, लेकिन यहाँ पर इनवर्ट। नहीं समझ में आ रहा क्या तुमको जी, आ रहा है पक्का, नहीं आ रहा ना तुमको, नहीं आ रहा और दिख नहीं रहा है, कौन नहीं दिख रहा, देखो यहाँ पर ऐसे गया, ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ तो यहाँ पर अंदर जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा वो ऐसे बनेगा, मतलब यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे कहाँ जा रहा था, ऐसे बाहर, तो इस पॉइंट पे बाहर, लेकिन इस पॉइंट पे कहाँ जा रहा है, अंदर, मतलब उस तरफ, उधर बोर्ड के उस तरफ, ठीक है। तो ये बनेगा मैग्नेट, मतलब देखो पलट गया, करंट ऐसे था, कौन पॉइंट, हाँ ठीक लगा, यहाँ 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 ठीक तो है, सही। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ये तीसरे वाले की वजह से, ठीक है। तो तीसरे अगर चलो यहाँ बात करते हैं, तीसरे वाले में करंट कैसे है, करंट ऐसे है, तो अगर करंट ऐसे जाए देखो ठीक से, तो तुमको अंगूठा को कहाँ रखना है, अंगूठा को कहाँ रखना है, करंट के डायरेक्शन में, यहाँ निकालना है, इस जगह पे तुमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ऐसे रखोगी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, नहीं समझी, कर्ल करोगी ना, कर्ल की यहाँ पर कहाँ जा रहा है, इनवर्ट। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर करंट ऐसे, और कर्ल करोगी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी अंदर, यहाँ देखो यहाँ करंट कैसे जाएगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, इनवर्ट। फिर यहाँ पर देखो करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, मतलब हर जगह इस जगह पर क्या आ रहा है, इनवर्ट। तो ये इनवर्ट किसके लिए बताएं, ये क्या चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ इनवर्ट आ जाएगा हर जगह, नहीं समझ में आया क्या, यहाँ पर क्रॉस होगा मैग्नेटिक फील्ड। चलो इसका देख लो, इसका तुम लोग अपने ऐसे हंसते खेलते बता दोगे, ये उल्टा हो जाएगा उसका। चौथा वाला देखो, हंसते समझ में आया, ये राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला, इसमें जो करंट है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जब अंगूठा करंट है ये, तो जब अंगूठा इसे रखोगी तो इस पॉइंट पे चेक करोगे अगर,
तो बाहर, यहाँ पर बाहर, यहाँ पर ऐसे जा रहा है ना, तो फिर बाहर आ रहा है, तो मतलब इस पॉइंट पे आएगा बाहर। ठीक है, एक बार हम ऐसे ही कर रहे थे, ऐसे ऐसे एक लड़का पीछे बैठ के बात कर रहा था, सोचा हमको बुला रहे हैं, आ गया था, समझा। और सही में सर उसको बोले, सर तेरे को बुला रहे, देख देख, तो गया वो मेरे पास आया, क्या हुआ सर, बुला रहे थे आप, तो बुला रहे, बकलोल, पढ़ पढ़ लिख कुछ नहीं रहता, पीछे बात करते रहता था हमेशा। ठीक है, तो ऐसे वो बाहर हो गया। हाँ, ये कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे, इसका न्यूमेरिकल्स के ऊपर। और न्यूमेरिकल से पहले एक और चीज़ है छोटा सा, उसको भी करेंगे पहले, उसके बाद न्यूमेरिकल। चलो, अब हम लोग कंपेयर करेंगे बायोत सेवत लॉ को, बायोट सेवत लॉ को कंपेयर करेंगे हम लोग कूलम्स लॉ से। बायोट सेवत लॉ को कंपेयर करेंगे कूलम्स लॉ से। गजब, नहीं, बायोट सेवत लॉ को कूलम्स लॉ से, ये तो कोई ज़िंदगी में कहीं कॉलेज में जो सवाल ही नहीं बनता बताएगा तुमको। ठीक है, और बायोट सेवत लॉ शायद ही कोई इतना डिटेल में पढ़ा दे, हो ही नहीं सकता है, उड़ाएगा बायोट सेवत लॉ कोई भी 2 मिनट में। हाँ, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है यार, क्वेश्चन करोगी तभी तुम एक्चुअली समझ रही हो। एक क्वेश्चन करना मतलब क्या, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल को सही से अप्लाई करना, वो कर रही हो तब तुमको बायोट सेवर्ट लॉ एग्जैक्टली आता है। ठीक है, लेकिन चलो पहले इसको कंपेयर करते हैं। अच्छा, बायोट सेवर्ट लॉ से हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और कूलम्स लॉ से है, कूलम्स लॉ से तो फोर्स निकालते हैं ना। अरे नहीं, लेकिन इसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, बोले क्या बात कर रहे हैं, कूलम्स लॉ से कहाँ तो फोर्स निकालते हैं, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू वायर स्क्वायर, बकलोल, बालक, ये होता है, ये होता है, ओ सॉरी, होता है कूलम्स लॉ। तो यहाँ पर तुम ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ी हो, के क्यू बाई आर स्क्वायर पढ़ी हो कि नहीं, तो इसके जगह क्या लिखोगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलता है, तो फिर तो यानी कि एफ इज इक्वल्स टू इसके जगह क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर क्यू, ये क्यू टू को क्यू ले ले खाली। तो ये मत सोचना कि सर ये तो फोर्स के लिए था, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो आप इसको ऐसे कैसे कंपेयर कर रहे हैं। समझ आया मेरा बात, समझ आया। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, हम लिख भी दिया साफ साफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है फोर्स निकालने का, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, अब समझना, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस का क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, बताओ। हाँ ठीक है, अच्छा एक चीज़ तुम और जानती होगी कि इसमें हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखे थे। तो अगर हम एक छोटा सा चार्ज ले ले डी क्यू, छोटा सा चार्ज ले डी क्यू, इससे आर दूरी पे जाएं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगी, डी, और कितना लिखोगी, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टेंस के स्क्वायर के, मतलब दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब कूलम्स लॉ में भी इनवर्स स्क्वायर लॉ आता है और बायोट सेवर्ट लॉ में भी इनवर्स स्क्वायर लॉ आता है। अब तुम लोग बोलोगे सर ये आप क्या क्या बता रहे हैं, ये तो सर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दिए, यहाँ अभी इसका लिखे, अरे तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकलेगा ना एक्चुअली, यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो मतलब जो बायोट सेवर्ट लॉ करता, जो कूलम्स लॉ करता था उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वैसे ही बायोट सेवर्ट लॉ यहाँ पर काम कर रहा है मैग्नेटोस्टैटिक में। इसमें मैग्नेटोस्टैटिक बोलेंगे ना इसको, बहुत लोग बोलता है सर मैग्नेटोस्टैटिक कहाँ, चार्ज तो चल रेस्ट पे, कहाँ है रेस्ट इसमें। अरे बकलोल, मैग्नेटोस्टैटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट, ठीक है, चार्ज कॉन्स्टेंट थोड़ी बकलोल। खैर यहाँ समझ में आया ये वाला बात, चलो ठीक है। और कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है तुम लोगों को, हाँ यहाँ ये सब मत कर सर, यहाँ म्यू नॉट बाई 4 पाई यहाँ पर, वो सब नहीं, वो सब तो पता ही है, वो सब नहीं, और कुछ तुम लोग बताओ, सब हम ही बता दें, खुद भी सोचो। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो किससे बन रहा है, करंट से, और ये जो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो किससे बनता है, चार्ज से बनता है। ये एक डिफरेंस हुआ दोनों में ना, चार्ज से बनता है, ये स्मॉल चार्ज से, लेकिन ये करंट एलिमेंट से, ये स्मॉल चार्ज से लेकिन ये करंट एलिमेंट से, करंट एलिमेंट समझ रही हो, मतलब करंट के साथ एक एलिमेंट रहेगा दोनों। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, ये जो बायोट सेवर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और वो भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, बी वन वेक्टर प्लस बी टू वेक्टर प्लस बी थ्री वेक्टर डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, बी एन वेक्टर। मतलब इसमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लागू होगा, ये पहला बात हुआ, ये दूसरा बात हुआ, ये तीसरा बात हुआ, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज़ देखना तुम ठीक से, ये इसको और इसको कंपेयर क्यों कर रहे हैं, इसको इसको कंपेयर क्यों कर रहे हैं, समझना, ये करंट कैसा सोर्स है, ये करंट कैसा सोर्स है, सोर्स मतलब जो ये सोर्स, ये इसी से बन रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ये स्केलर हुआ, और ये भी कैसा हुआ, स्केलर।
अब यहां पर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम लोग को याद है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है तुम लोग को, ऐसे जोड़ती थी ईवन वेक्टर पढ़ाया गया चैप्टर में, ई टू वैक्टर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाती थी, ई एन वैक्टर, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन को ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी फॉलो करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फॉलो करता है, ठीक है। तो तुम इसको ये भी बोल सकती हो कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे भी बोल सकती हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किन लॉस से आ रहा है ये, बायोट से और ये कूलम से, ठीक है। तो ये लिखो एक बार, फिर और थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अब डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, अंतर क्या है दोनों में, ठीक है, लिखो जल्दी से। ये सिमिलैरिटीज था। एक चीज़ हम जरा तुम लोग से पूछना चाहते हैं, ये वाला देखना जरा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। बाकी सारा चीज़ यहाँ पर ठीक है, लेकिन ये दोनों पॉइंट के बारे में थोड़ा हम गड़बड़ बोल दिए, देखना ठीक से। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट से बन रहा है, नहीं करंट के साथ करंट एलिमेंट भी है, तो करंट एलिमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ किससे बन रहा है, स्केलर सोर्स। तो मतलब तुम ये बोलोगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खुद तो वेक्टर है, लेकिन बनता किससे है, स्केलर से। खाली चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता ना, कि ये दूरी भी इंपॉर्टेंट है। दूरी से क्या मतलब, हाँ कुछ दूरी पे बनता है वो ठीक है, लेकिन यहां पर चार्ज से ही बन तो चार्ज से रहा है ना, डिस्टेंस से बन रहा है, पागल हुए। लेकिन ये इसमें तो लेंथ भी चाहिए, क्योंकि लेंथ नहीं रहेगा तो करंट कैसे आएगा उसमें। तो मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट से नहीं, करंट एलिमेंट मतलब कि ये वेक्टर वाला चीज से बन रहा है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है वेक्टर सोर्स से, सही है, स्केलर सोर्स नहीं बोल सकते, अभी हम स्केलर सोर्स बोल दिए थे ना गलती से भाई साहब। लेकिन अगर ये डीएल नहीं हुआ तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्या क्या क्या, वही तो बोल रहे हैं कि दोनों एक साथ चाहिए, तो ये दोनों मिलके वेक्टर सोर्स बन जा रहा है, दोनों मिलके वेक्टर सोर्स बन जा रहा है। सर कैसे, देखो इसको एक और एक्सप्लेनेशन है, आईडियल वेक्टर को हम अभी अलाए थे जे डीवी के बराबर, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि यहां पर जो जे है वो वेक्टर करंट हुआ, तो वेक्टर करंट हुआ तो यानी कि वेक्टर सोर्स से बन रहा है ये, अभी बताया था ना आइडियल जो होता है वो जे डीवी के बराबर होता है। तो मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सोर्स से बन रहा है, और वेक्टर सोर्स क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि यहां पर जो ये डीएल है उसका डायरेक्शन है ना कि किधर करंट है। अच्छा एक और चीज बोलो कि सर उससे क्या मतलब, डायरेक्शन से उतना हमको नहीं समझ में आ रहा है। देखो हम तुमको बताते हैं साफ साफ, ये साफ, ये लाइट बता दी थी क्या, हम एक बात बताते हैं तुमको साफ साफ, ठीक है, एक बात सुनना ध्यान से, कि यहां पर ये जो डीएल है, एलिमेंट्री लेंथ डीएल है, ठीक है, एलिमेंट्री लेंथ डीएल का जिधर डायरेक्शन है उधर ही करंट है, एलिमेंट्री लेंथ डीएल जिधर जिसका उधर उसका डायरेक्शन है उधर ही करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, नहीं नहीं एलिमेंट्री लेंथ का जिधर डायरेक्शन है उधर ही ना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि डीएल इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डीएल नहीं रहेगा तो तुम मैग्नेटिक फील्ड नहीं कभी भी निकाल सकती हो, डीएल होना ही होना चाहिए तब, क्योंकि समझ में आया मेरी बात की नहीं समझ में आया, चलो ठीक। तो इसलिए यहाँ वेक्टर सोर्स, और यहाँ पर कैसा सोर्स है, स्केलर। तो ये सिमिलैरिटी नहीं हुआ, डिफरेंस हुआ ये, ठीक है, ये जो खाली ब्लू वाला लिखा हुआ, जो ब्लू लिखा हुआ है वो स्केलर सोर्स इसमें और उसमें वेक्टर सोर्स, फिर बाकी डिफरेंस अभी और लिखवाएंगे। अच्छा एक और चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट, चौथा बात, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये लॉन्ग रेंज के लिए होता है, लॉन्ग रेंज मतलब बहुत दूर तक मिलेगा ना, एक मैग्नेट लेके आ जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो वो बहुत दूर तक आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी लॉन्ग रेंज के लिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लॉन्ग रेंज के लिए, इसको पॉइंट नंबर 3 था ये, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लॉन्ग रेंज, लेकिन एक फर्क है फील्ड लॉन्ग रेंज के लिए है। अरे लॉन्ग रेंज का मतलब इन्फिनिटी नहीं हुआ, लॉन्ग रेंज का मतलब जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ दूरी तक रहेगा, वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलो इसको लिख लो जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं डिफरेंस के बारे। देखो डिफरेंस के बारे बात कर रहे, ठीक है, डिफरेंस समझ लो, डिफरेंस पहले तो एक डिफरेंस बता दिए कि मैग्नेटिक फील्ड में कैसा सोर्स होता है, वेक्टर सोर्स होते हैं इसमें, और इसमें कैसे सोर्स होते हैं इसमें स्केलर सोर्स होती है, ऐसे पढ़ाता है बहुत लोग इसमें स्केलर सोर्स होते हैं। ये दोनों में सबसे ज़्यादा बड़े डिफरेंस होते हैं, तो बात क्यों करते हैं यहाँ देखते, ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि देखो ये तुम फील देखी नहीं इस बात को, देखो बड़ा बड़ा अच्छा डिफरेंस है दोनों में, देखो ये देखो जैसे ये करंट ऐसे मान लो, अब मान लो कि तुमको यहां पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर, यहां पर, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग एक चार्ज के बारे में बात करें, पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ होगा, है अवे फ्रॉम द चार्ज। नेगेटिव चार्ज लेंगे तब टुवर्ड्स द चार्ज, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर इस करंट के वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो ऐसे रखोगी और अंदर होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, हाँ करंट इस प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में,
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। अच्छा यहां पर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्लेन से बाहर होता है, सही है? अरे छोटू, आउट ऑफ द प्लेन मतलब देखो करंट कहां है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है मेरा बोर्ड में, बोर्ड में करंट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां है? अंदर। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? बाहर। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में उसका सोर्स है, जिस प्लेन में उसका सोर्स यानी कि जो करंट है उससे आउट ऑफ द प्लेन है, लेकिन चार्ज जो है, ठीक से देखो यहां पर कंपेयर करो, चार्ज जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनता है? ऐसे बनता है आउटवर्ड, बकलोल, इधर ना बन रहा है, ऑन द प्लेन, चार्ज इस प्लेन में है और इसी प्लेन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि करंट से बन रहा है वो अंदर वाले में, समझ रही हो? कौन? आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन, तुम ठीक से देखोगी तब ना, तुमको तो बकायती करने से फुर्सतें नहीं है, ठीक? तुमको हड़बड़ी है कि हमको जल्दी से जाना है, ठीक है? देखो यहां पर ठीक से, ये करंट तो है, ये करंट से मैग्नेटिक फील्ड कहां बन रहा है? अंदर। और इधर देखोगी तो कहां बन रहा है? बाहर, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड या तो इनवर्ड्स है या तो आउटवर्ड्स है, लेकिन ये जो वायर है ये कहां रखा हुआ है? इस बोर्ड में रखा हुआ है। वैसे ही ये चार्ज कहां रखा हुआ है? इस बोर्ड में रखा हुआ है। और इस चार्ज का जो फील्ड है वो कहां है? इसी बोर्ड में ही है। देखो ऐसे, या तो इधर देखोगी तो ऐसे या तो ऐसे, फील्ड अंदर तो नहीं है, फील्ड बाहर तो नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है इस बोर्ड में है ही नहीं, ये जो क्रॉस है वो अंदर जा रहा है और ये बाहर आ रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड में है ही नहीं। एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है? करंट, डीएल, 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 आईडीएल, दोनों दोनों होना चाहिए ना, दोनों आई और डीएल, तो डीएल भी होगा यहां पर, लेकिन ये आईडीएल दोनों इसमें है, मतलब बोर्ड में, मेरा जो व्हाइट बोर्ड है उसमें है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इस पॉइंट पे, अंदर है, और यहां पर अगर चेक करो तो बाहर है, मतलब इस बोर्ड में है ही नहीं फील्ड, लेकिन जो चार्ज का फील्ड है वो तो इसी बोर्ड में होता है, समझ आई? ये सबसे बड़ा अंतर हुआ। तुम बोलोगे सर आप तो बताए थे कि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरफ निकलता है, ऐसे भी निकलता है भाई, इस चार्ज से खाली ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे भी तो निकलेगा ना तुम्हारे तरफ, लेकिन समझो पहले देख लो, देखो समझो, लेकिन इस चार्ज का देखो ये जो, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो कभी भी इसमें नहीं ना है, बोर्ड में, बोर्ड में आ सकता है, बताओ ये इस बोर्ड में आ सकता है? नहीं आ सकता है, ये या तो इनवर्ड्स है या तो आउटवर्ड्स है, मतलब इस बोर्ड में कभी लाई नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस बोर्ड में तो है ना, ये सबसे बड़ा अंतर है दोनों में, ठीक है? तो यहां पर हम लिख देते हैं सोर्स क्या, 1D 2D, कैसे 1D 2D बोलेंगे? जैसे ये चार्ज है मान लो, तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरफ निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 3D होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी 3D होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कभी भी इस बोर्ड में तुमको नहीं दिखाई देगा, वो या तो इस बोर्ड के अंदर या तो बोर्ड के बाहर, मतलब ऐसे गोल है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ से है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है, उसके सोर्स के बगल में भी है। तुम ऐसे बोल सकती हो कि सर ये करंट, यहां मैग्नेटिक फील्ड, ये इस जगह पे और ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, होगा नहीं होगा, लेकिन इसमें तो होता है ना। अच्छा यहां पर तुम बताना बाबू, इस चार्ज की वजह से अंदर उस तरफ जो मान लो अंकल उधर उस रूम में होंगे तो उनके तरफ नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, होगा लेकिन इधर भी तो होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है खाली अंकल के ही तरफ होगा या तो मेरे तरफ होगा, क्या इधर होगा? इस तरफ इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड? नहीं होगा, यही समझा रहे तुमको। तो यहां पर लिख देते हैं सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन में है ना, प्लेन किसको बोल रहे हैं यहां पर हम, ये बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को, तो ये व्हाइट बोर्ड में ही करंट है, व्हाइट बोर्ड में ही करंट है, बट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, अब देखो ये जो लाइन लिखेंगे ना इससे एकदम तुमको समझ में आ जाएगा, बट द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये समझ में आया? मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस करंट का क्या है? परपेंडिकुलर। अभी समझ में आया कि नहीं आया? देखो ऐसे ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, सॉरी ऐसे है यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे है, तो हमेशा इस सोर्स से परपेंडिकुलर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज विथ द सोर्स, मतलब सोर्स के साथ है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जैसे सोर्स यहाँ पर तो उसके अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन, और उसका जो सोर्स है वो भी कहाँ है? ऑन द प्लेन, दोनों एक ही प्लेन में। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स सोर्स बोथ आर ऑन वन प्लेन, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब या तो अंदर या तो बाहर, एकदम करंट के बगल में तो ऐसे तो नहीं है, यही सबसे बड़ा अंतर है दोनों में, ठीक है? अच्छा और एक छोटा सा बात है उसके बारे में बात करेंगे, उसको लिख लो, सबसे बड़ा डिफरेंस यही वाला हुआ, बाकी ये तो तुम लोग को मालूम था, ये तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ, ये दूसरा डिफरेंस हुआ, ठीक है? तीसरा बात करते हैं लास्ट, ठीक से, कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, मान लो ये चार्ज है क्यू, ठीक है? इस चार्ज क्यू से आर दूरी पर जाती हो और यहां पर क्या निकालती हो? इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही करती हो ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती हो, जिसका फॉर्मूला आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेक्टर ना लगाओ तो, और यहां पर ये आर पोजीशन वेक्टर होता है, आर पोजीशन नहीं,
जरूरी है कहाँ पोजीशन, ये तो डिस्टेंस होता है आर का मतलब। लेकिन जो हम जब करंट का बात करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक एक क्या मेजर करते हैं, पोजीशन वेक्टर। और यहां पर जो करंट जिस तरफ जा रहा है, मतलब जिस तरफ इसका सोर्स है, सोर्स कौन है, आइडियल, आइडियल जिस तरफ है और ये जो आर है उसके बीच में एक एंगल बनता है थीटा, जो कि डीएल से आर होता है। लेकिन क्या यहां पर ये जो चार्ज है और ये जो आर है इसके बीच में कोई एंगल बनता है, इसका जो सोर्स है और ये जो आर है इसके बीच में कोई एंगल बनता है, नहीं बनता है। तो यहां पर तुम लिखोगे नो एंगल, नो सच एंगल डिफाइंड, नो सच थीटा डिफाइंड, कोई थीटा डिफाइंड नहीं होता इसमें। लेकिन यहां पर क्या बनता है, साइन थीटा बनता है, ठीक है, डीएल और आर के बीच में, डीएल एंड आर के बीच में बनता है यहां पर साइन थीटा। मतलब इसका सोर्स जो है आइडियल, आइडियल सोर्स और ये आर के बीच में साइन थीटा बनता है, बट यहां तो कोई एंगल नहीं होता है, ठीक। अब छोटा सा हम लोग इसके बारे में डिस्कस, यही बस इतना ही है इसमें, ठीक है, डिफरेंस और इसमें। अब हम लोग छोटा सा बात करेंगे कि कब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। और तुमको एक बात बताए थे शुरू करते हुए, पढ़ाने जब से हम शुरू किए थे, हम तुमको ये बोले थे, देखो साफिया यहां पर हम बोले थे कि ये जो पॉइंट जिस जहां पर तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को तुम यहां ले लो, 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 कहीं भी ले लो, लेकिन यहां पर एकदम लोकेशन पे नहीं ले सकती हो। क्यों नहीं लोगी? अच्छा एक और चीज, अच्छा हम ये नहीं बोल रहे कि ये आर को जीरो कर दो, हम बोल रहे हैं कि इसको घुमा के यहां नहीं पहुंचा सकती हो, ये वाला जो आर है इसको यहां नहीं पहुंचा सकती हो, ये आर को ऐसे नहीं कर सकती हो, मतलब इस पॉइंट को तुम यहां पर नहीं ले सकती हो। क्यों? अभी बताएंगे जस्ट, ठीक है, अभी बताएंगे, ठीक है, अभी समझाएंगे। चलो ये लिख ली, लिख ली है नहीं रे। चलो यहां देखो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल केस। स्पेशल केस नहीं है ये एक्चुअली, स्पेशल केसेस लिखा रहता है बुक में, लेकिन स्पेशल केस नहीं है ये। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। देखो यहाँ पर जैसे ये ऐसे वायर ले लें ऐसे हम लोग, और यहाँ करंट ऐसे था, और यहाँ पर हम लोग क्या काटे थे, डीएल वेक्टर, और इस डीएल से आर जी पे मैं क्या निकाल रहा था, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक ये आर लेते। अब तुम लोग ये इमेजिन करो ये आर को हम ऐसे 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 कर, ये थीटा होता है ऐसे करके, कहाँ से कहाँ मेजर करते, डीएल से आर की तरफ, ये थीटा को बढ़ाते 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 यहाँ पहुँचा दे, कहाँ पहुँचा दे, एकदम यहाँ पर ऐसे। तो ये एंगल अब कितना हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ चल गया, तो ये अब थीटा बढ़ा के कहाँ पहुँचा दोगी, यहाँ पहुँचा दोगी, तो अब ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। नहीं आया समझ में ना, नहीं आया ना समझ में भाई, इसको सीधा कर दिए तो 90 होगा। तो अब देखो यहाँ पर, अब जब तुम निकालोगी बी फील्ड, पहला डी बी इज इक्वल टू लिखोगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 लिखोगी बाई नीचे में क्या आर स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम, सीधे नापने पे मैक्सिमम, ठीक है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई। अब समझना अभी मेरा बात, दूसरा बात जो हम बोल रहे थे कि यहाँ पर नहीं पहुँचाना, अगर इस पॉइंट पी को, हाँ एग्जैक्टली, ये थीटा ऐसे मेजर होता है, मान लो इस पॉइंट पी को तुम ऐसे 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 करते करते यहाँ पहुँचा दी, तो अभी यहाँ पर ये जो डी एल है वो किधर होता है, डी एल ऐसे है, अरे क्योंकि करंट कैसे है ऊपर ही जाएगा ना। लेकिन ये आर को तुम यहां से कहां पहुंचा दी, यहां, तो आर भी ऐसे ही हो गया, नहीं आया समझ में, नहीं आया ना समझ में, नहीं आया पक्का, ये आर जो ऐसे हो रहा था उस आर को हम यहां पहुंचा दिए, तो ये आर और डीएल के बीच में एंगल यहां पर कितना है, तो आर एंड डीएल के बीच में एंगल, क्योंकि थीटा अभी 0 डिग्री हो गया है, और 0 डिग्री पे जब तुम यहां पर साइन 0 डालोगी, साइन 0 कितना होता है, बहुत लोग को यह भी नहीं मालूम होता है, अभी देखो प्रूफ साफिया को मालूम ही नहीं था, अंगूठा छाप कहाँ से उसको उठा कर, तो देखो यहाँ पर साइन 0 0 हो गया, ठीक है, बैठने का देखो कैसे बैठी है अजीब टाइप का, साइन 0 0 हो गया, ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। ओ अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आया, कहाँ 0 आया, ऑन द वायर, ऑन द वायर, मतलब वायर का खुद का लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। क्लियर है ये, सिर्फ नहीं क्लियर बताओ, तो खुद का लोकेशन पे मत निकालना। अच्छा ऐसा भी मत करना कि ये आर को कम करके 0 कर देना, देखो ऐसे मत कर देना, देखो ये बकलोल लोग करता है ऐसे, बहुत लोग म्यू नॉट बाई 4 पाई बोलता है, सर ये 0 इसलिए आप बताएं क्योंकि ये साइन थीटा था, यहाँ पर आप आर को 0 ले लिए सर, है ना, इसलिए 0 आया, बकलोल लोग आर को 0 नहीं लिए हैं, आर को अगर 0 लेंगे तब तो मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आर को 0 कभी नहीं लेना है, नेवर, आर कैन नेवर बी 0, यहाँ लिख देते हैं आर कैन नेवर बी इक्वल टू 0, आर यहाँ देख लिए हैं अभी भी भाई, आर तो अभी भी है ना, यही वाला आर को यहाँ शिफ्ट किया, मतलब ये रहा आर, ये आर अभी भी है, ठीक है समझ आए, तो आर को 0 बोलना बकलोली है, इलॉजिकल, ठीक है। चलो अब हम लोग एक सवाल करते हैं उसके ऊपर छोटू सा, मेरा ऐसे बहुत लेट हो चुका है, आंसर कुछ ना कुछ होगा, तो देखो ये एक क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक बेस्ड ऑन बायोट सेवर्ट्स लॉ, ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि एक करंट एलिमेंट है डेल्टा एल, अब इसी को देख कर सब पगला जाता है, बोलता है सर आप तो ये पढ़ाया हमको डीएल, अरे बकलोल तो उसी को करके डेल्टा एल लिख दिया, मतलब बड़ा चेंज, तो ये डीएल जो है उसी को क्या लिख दिया है, डेल्टा एल,
बड़ा चेंज लिख दिया है, ठीक है, बड़ा चेंज इन एलिमेंटल लेंथ। और जिसको क्या लिखा है, डेल्टा एक्स आई कैप, मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है कि डीएल किस तरफ, डायरेक्शन होता है ना उसका, आई कैप मतलब कि एक्स एक्सिस में, तो इसका डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि डीएल कहाँ होगा, इस तरफ होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और डीएल इस तरफ होगा, ये क्रॉस के जैसा लग रहा है, एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस। अच्छा क्या बोल रहा है कि इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओ तो मतलब जो एक्सिस होता है उसमें यहाँ पर जो ओरिजिन है वहाँ पर क्या हम लोग लेंगे, छोटू सा लेंथ, क्या लेंगे, डेल्टा एल। और उस कैसे हम लोग पता चला, इधर ही होगा क्योंकि हमको लिखा था डेल्टा एक्स आई कैप। अच्छा ये डेल्टा एल जो होता है एलिमेंट्री लेंथ, वो तो जितना चाहे तुम उतना ले सकते हो, इतनी बड़ी ले सकते हो, इतनी बड़ी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा लेना चाहती हो। जितना ज़्यादा लेंथ को लोगी उतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ देखो जस्टिफाई कर दिया है कि तो आप डेल एक्स है उसको एक मीटर लीजिए, मतलब ये जो वैल्यू है ये कितना होगा, ये जो वैल्यू है ये डेल्टा एल ये कितना होगा, एक मीटर। बोलता है सर ये तो डेल्टा एक्स तो सर कुछ और दिया है, अरे बकलोल, ये डेल्टा एक्स इंटू आई का मतलब क्या है, ये डेल्टा एक्स का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है वो, और ये आई कैप क्या है, उसका डायरेक्शन। तो यानी कि एक मीटर तुम काटी हो वायर को, और उसी एक मीटर वायर का क्या निकालना चाहती हो, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है कि नहीं, बताओ, ठीक है। और इसका डायरेक्शन किधर है डेल्टा एल का, फिर से बना देते हैं, डायरेक्शन डेल्टा एल का इस तरफ है, ठीक है, सवाल में दिया था। और ये डेल्टा एल का वैल्यू एक मीटर लिख दे, कोई घबरा जाओगी क्या, ये लिखना ठीक है, डेल्टा एल बराबर एक मीटर, हाँ ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर लगा दी तो क्या लगाना पड़ेगा, आई कैप, ठीक है। अच्छा बोला है कि कैरीज इज अ प्लेस डॉट ओरिजिन, कैरीज अ लार्ज करंट ऑफ 10 एम्पियर। तुमको एक और बात बताया था कि जिधर डेल्टा एल होता है उधर ही करंट भी होता है, ठीक है। अच्छा तो करंट कितना दिया है, 10 एम्पियर, तो करंट का वैल्यू दे दिया 10 एम्पियर, तो डेल्टा एल मालूम चल गया, करंट मालूम चल गया, ओ सॉरी 10 एम्पियर, जज्बात में बह गए थे। बोला व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तुमसे यहाँ पूछ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज करता है, मतलब आर का वैल्यू पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आर कितना दिया है, देख दिया होगा सवाल में 0.5 मीटर, मतलब वाई एक्सिस में आप 0.5 मीटर दूर जाके क्या बताइए, क्या बताइए, मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब ये आर कितना होगा, ये आर कितना होगा, 0.5 मीटर, और यहाँ इस पॉइंट पे तुमको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड, और उसका डायरेक्शन भी बताओ। सबसे पहले चलो देखते हैं डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा ये देखो ये आर है, दिस इज आर, और इधर क्या है, डेल्टा एल। तो ये डेल्टा एल और आर के बीच में एंगल बनता है थीटा। अरे भाई हम तुमको ऐसे सीधा बना के दिखा रहे थे ना, ये इसको पलट दिया है, नहीं समझी, वायर ऐसे बना रहे थे हम, उसी वायर को क्या किया, ऐसे घुमा दिया है, नहीं समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, हम लोग ऐसे बना रहे थे, यहाँ पर ले रहे थे आर, तो इसी को घुमा दिया, ऐसे घुमा के ये आर को कहाँ पहुँचा दिया, ऊपर, और यहाँ इसको इसे, ठीक है कि नहीं समझ में आया, नहीं आ रहा क्या भाई साहब, करंट ऐसे होता था और करंट के साथ आर ऐसे होता था, तो ये क्या किया, ऐसे घुमा दिया इसको, नहीं ऐसे नहीं घुमाया, सॉरी ऐसे घुमा दिया, तो ये आर कहाँ चल गया, ऊपर, और ये आई कहाँ चल गया, इस एक्सिस में, नहीं समझ में आया, हाँ ठीक ठीक ठीक। अब ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, मतलब थीटा भी मालूम चल गया 90 डिग्री, क्योंकि बोला है ना कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है और यहाँ निकालना है। और तुमको एक बात मालूम है कि एक्स और वाई एक्सिस आपस में क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो इसलिए थीटा 90 डिग्री होगा, नहीं समझ में आया, ठीक। तो अब तुम फॉर्मूला यूज़ करोगे डायरेक्ट, अरे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ट था यार, एकदम एक बार में बनाना था, 4×10^-6, और यूनिट क्या होगा उसका, टेल्सा, 4×10^-6 -8 है, गलत की हो, -8 है, -8, क्या गलती की है, क्या गलती की है भाई तुम, देखना होगा क्या गलती की है। तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला क्या है उसका, म्यू नॉट बाई 4π आई डी एल, साइन कितना लोगी 90, बाई नीचे में क्या लिखोगी आर स्क्वायर, तो dB बराबर म्यू नॉट बाई 4π का वैल्यू 10^-, करंट कितना 10 एम्पियर, एलिमेंट्री लेंथ कितना, एलिमेंट्री लेंथ कितना, एलिमेंट्री लेंथ कितना 1 मीटर दिया है, तो एलिमेंट्री लेंथ 1 मीटर डालोगी, साइन 90 भी 1 हो गया, अपॉन आर का वैल्यू 0.5 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालोगी, यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड डीबी फिर निकालोगी, तो हो जाएगा ये कितना 10^-6, और यहाँ हो जाएगा 0.5×0.5, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा तो 10^ कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10^-4/5, 5×5=25। तो 1/25 का मतलब क्या होता है, 1/25 का मतलब 0.4 होता है ना शायद, 1/25 का मतलब 0.4, देख लो डिवाइड करके 0.04 होता है, अच्छा 0.04×10^-4, तो यहाँ से पॉइंट हटाओ तो कितना हो जाएगा 10^2, पॉइंट हटाओगे 10^2, तो ये 10^2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4×10^-6 टेस्ला, तो ये आया मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, यही आया तुम्हारा 10^6 आया, तो वही तो आंसर दिया था, -8 बोले, हाँ -8 ही दिया है,
-8 दिया है लगता है। हम देखते हैं कि कुछ डेटा में गलती दी है क्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 10 एम्पियर दिया है, 0। अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक, हम बोल डेटा में कुछ गलती हुआ। ये 1 मीटर नहीं है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये डेल्टा एक्स जो है ना, 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 मीटर नहीं। तो यानी कि तुम जो डेल्टा एक्स है, मतलब कि ये जो है डेल्टा एक्स, ये 1 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगी तो मीटर में कितना हो जाएगा, 10^-2। डेल्टा एल का वैल्यू मीटर में हो जाएगा 10^-2। तो यानी कि यहाँ पर तुम जो डेल्टा एल है उसको डालोगी 10^-2, तो यहाँ 10^-2, तो यहाँ भी होगा 10^, ये 7 और 2 कितना हो जाएगा, 7 और 2 हो जाएगा। रुको एक मिनट, ये 7 में से ये गया तो 6 हुआ, 6 और 2, 6 और 2 कितना हो गया, 8 होगा ना यहाँ पर, -8। तो 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 6 होगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर 6 हो जाएगा, तो ये इधर 10^6 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जब पॉइंट उड़ाओगी तो ये हटाओगी तो कितना हो जाएगा, ये 8, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए 10^-8। तो ये आया मैग्नेटिक फील्ड। अब उसका डायरेक्शन देखते हैं, आइए डायरेक्शन देखते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। हम लोग को डायरेक्शन निकालना है तो पहले अंगूठा कहाँ रखेंगे, देखो यहाँ पर तुम लोग अंगूठा रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, 4 उंगली वहाँ घुमाएंगे जहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चाहिए, सवाल में लिखा है, पढ़ यहाँ पर। तो इसको ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाई 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 घुमाई, ये कहाँ आया, नहीं समझ में आया। अंगूठा ऐसे रखी, कर्ल की, तो यहाँ तो नहीं निकालना है, यहाँ पहुँचना है। तो घुमाते 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 ये बाहर, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, बाहर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को तुम लिखोगी आउटवर्ड, या फिर और थोड़ा सा तुम खूबसूरत आदमी हो तो तुम लिखोगी के कैप, तुम लिखोगी के कैप, क्योंकि इधर ऐसे कौन सा एक्सिस होता है, जेड एक्सिस। मतलब कि करंट है, करंट कौन सा एक्सिस में, एक्स में। अरे के कैप होता है जेड एक्सिस के लिए, पागली ने, तो करंट जो है वो एक्स एक्सिस में है ना, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना किस में है, वाई एक्सिस में। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, जेड एक्सिस में। ये सबसे खूबसूरत बात, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता था, जहाँ निकालने बोला जाता था वहीं पर रहता था वो, ऐसे करके एरो रहता था, याद करो, ठीक है। चलो ये समझ में आया, तो और क्वेश्चन करना है इसके ऊपर। थैंक यू गाइस, बाय बाय, पैसा साफिया घर भेज दीजिएगा, चलो ठीक है।